अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं माँ ममता और मेकअप का नया सीज़न। मैं थोड़ी लो लग रही हूँ ना आपको, मतलब बड़ा लो सा फील कर रही हूँ। उसकी वजह क्या है? कल आपने देखा हमारी दो कंटेस्टेंट्स अंबर गुल और समीना कंवल, दो लोगों को हमने डेंजर जोन में डाला था कि हम उन्हें एलिमिनेट कर सकें, और हमने फेसबुक पर आपको वोट करने को कहा था। आप लोगों ने सिलेक्ट किया, आप ख़ुद भी फेसबुक पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि किसको रहना चाहिए और किसको जाना चाहिए। आप लोगों ने सिलेक्ट किया, लेकिन उससे पहले, उस सब एलिमिनेशन से पहले, उसके रिज़ल्ट से पहले, एक बहुत कहते हैं ना नागहानी, इसको नागहानी कहते हैं कि आपको आपके करियर का एक बहुत बड़ा टर्न मिला है, आपको मौका मिला है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। आप अपनी जो वो दिन है जिसमें आप मेहनत से यहाँ तक पहुँची हैं, उनसे थोड़ा और अपग्रेड हो सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपसे दूर हो जाती है। हमारी दोनों कंटेस्टेंट्स जिनको आपने चुना था, समीना और अंबर को डेंजर जोन में डाला था, अंबर के लिए मेरा ख़्याल से जो ख़बर मैं सुनाती या जो अनाउंसमेंट मैं करती, उससे भी बुरी खबर उसकी ज़िंदगी में पेश आई। अगर मैं अंबर का जो हमने पैकेज बनाया था वो मैं दिखा सकती हूँ, मेरे पास रेडी है, मैं अपने डायरेक्टर से पूछ रही हूँ। अभी नहीं तो है रेडी। कल अंबर का पैकेज जो कल हमने चलाया था, अंबर के बारे में मैं नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताना चाहती हूँ। अंबर गुल के हवाले से मैं यहाँ उनको देखकर हैरान हो गई। और वो क्यों? यहाँ आने से सुबह सवेरे पहले इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, लेकिन क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी मुझसे, इसीलिए ये यहाँ आ गई कि मैं अपनी बेटी नहीं ला सकती, मैं मेकअप नहीं कर सकती क्योंकि ये नागहानी मेरी हुई है, मगर क्योंकि मैंने ज़बान दी हुई थी इसलिए मैं आ गई। मैंने उनसे कहा कि यार मतलब ये मतलब लाइक आपके साथ जो हुआ है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, मैं कोई नहीं सोचता। मैं अंबर के बारे में आपको ज़रा रिमाइंड कराना चाहती हूँ। अंबर गुल, आइए चल के देखते हैं। वालेकुम, मेरा नाम अंबर गुल है, मैं सरजानी टाउन सेक्टर 10 में रहती हूँ। मेरे 8 बच्चे हैं, और 3 बच्चे जिसमें स्पेशल हैं, 5 बच्चे नॉर्मल हैं। अगर इंतकाल हो चुका है, इसी वजह से इस काम को आगे पार्लर के करना चाहती हूँ कि बच्चों की बहुत सारी ज़रूरत होती हैं जो कि मेरे ऊपर उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ चुकी है। ये पार्लर मैंने अब घर में डाला है, पार्लर इसलिए कि मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसमें काम कर मुझे बहुत अच्छा आता है, हर चीज़ और हर ज़रूरत के अंदर लेके चलना है। ज़ाहिर ख्वाहिशात होती हैं, स्कूल है, टेंशन है वगैरह, बहुत सारे इंसान की लाइफ में मजबूरी और इंसान की ज़रूरत होती है जिनको लेके वो सिर्फ वही चल सकते हैं। शायद अल्लाह पाक ने इस चीज़ के लिए मुझे चुना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी है कि इस चीज़ को मुझे लेके आगे तक लिमिट करना है। इस वजह से इस पार्लर को मैं चाहती हूँ कि जीत के कुछ क्या नाम है, थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, आगे बढ़ा लूँ, इस काम को बढ़ा लूँ ताकि मैं परेशानी नहीं हो सके। मैं सजानी टाउन में रहती हूँ, यहाँ पे पार्लर में इतना काम नहीं है, इस वजह से मैं बाहर पार्लर खोलना चाहती हूँ ताकि अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी कर सकूँ। इसलिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के अंदर मैंने हिस्सा लिया है ताकि मैं जो इनाम जीतूँ उससे मैं बाहर पार्लर खोल सकूँ। अंबर, बहुत बहुत दुख, बहुत अफसोस, पहले ही एक औरत पे इतने पहाड़ टूटे हुए हों, ना हस्बैंड, बच्चे भी। एक जब आपके पास एक स्पेशल बच्चा होता है तो आपको उसकी बहुत टेक केयर करनी पड़ती है, और ये दर्द, वो ये तकलीफ़ वही जान सकता है जो इस चीज़ से गुजर रहा होता है। मगर अंबर को अल्लाह ताला ने चुना है एक स्पेशल काम के लिए, और अंबर बहुत हिम्मत वाली है। मेरी नई हिम्मत हो रही कि मैं उसको स्क्रीन पे बुलाऊं जबकि वो वहाँ खड़ी हुई है। उसकी अम्मी की डेथ हो गई है, आई डोंट नो, हम आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है जब हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है, और उस
घर में जहाँ इंतकाल हुआ है उस घर की कोई औरत टीवी पर आ जाए तो ख़ानदान वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सारी बातें सोचे समझे बगैर अंबर ने अपनी सिर्फ ज़ुबान जो है उसका पास रखा और वो यहाँ आई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप सोचिए अंबर कितनी कमिटेड है, यानी वो अपने काम से कितनी सिंसियर हैं, कितनी ईमानदार वो औरत है। मैं आज उनसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ और मैं उनके लिए दुआ करना चाहूँगी। अल्लाह उन्हें बहुत हिम्मत दे, उनको अपने दर्द से लड़ने की ताकत अता फरमाए। मैं यहाँ अनम और काशिफ भी आ गए, मैं उनके साथ भी ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी, वो सुन चुके होंगे। आओ अनम। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। बड़ा शॉकिंग है मुझे ये बात सुन के, और इवन आपको याद है कि कल पता नहीं क्या था कि कल जब लोग नाम भी अगर उनका ले रहे थे तो मैं सबको कहता हूँ क्योंकि स्क्रीन पर देखने पे और सामने देखने पे मेकअप की जो बात है आपके अच्छा था। और मैंने ये भी बोला कि सिर्फ इसने ग्रीन शेड लगाया हुआ है, अदरवाइज ओवरऑल मेकअप बहुत अच्छा है। हाँ। तो आज जो आकर मुझे ना स्पेशली इस बारे में कुछ बात भी करनी थी ताकि मैं लोगों को ये बताता कि आप मेकअप बहुत गौर से देखें आप चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हैं किसी के साथ हक तलफी ना हो, क्योंकि मैं भी देख रहा होता हूँ को मतलब किस में कितनी वीकनेस है। तो कल कुछ चीज़ हो रही थी तो लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, तो मैं उसमें भी आपने देखा, मैं ज़रा सपोर्ट कर रहा था। मेरी किसी भी किस्म की उनसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर हम लोग उनका मेकअप देख रहे थे, बिल्कुल सारी चीज़ें मुझे डिटेल बहुत ज़्यादा थी मेकअप में, लाइनर और अभी मैं आया हूँ और अभी मैं ये बात सुन के ये तो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही शॉकिंग है। तो मैं ये जो है बिल्कुल वाकई उनको हिम्मत दे से इनको गुजार मैं यहाँ काशिफ कहना चाहूँगी कि ये हम वादा करें, ऑब्वियसली अभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी कंपटीशन में, क्योंकि इस वक्त उनकी अम्मी की डेड बॉडी घर में है और अगली दफ़ा जब हम ये करेंगे माम मामता और मेकअप, ये मैं वादा करती हूँ कि अंबर गुल उस जो कॉन्टेस्ट होगा कॉम्पिटिशन होगा उसमें हमारे साथ होंगी, मगर उससे पहले एक और मैं भी वादा करता हूँ इंशाल्लाह वो नेक्स्ट किसी और उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगी वो। और जो मेरी और अनम की भी अभी ये बात जब हम सुन रहे थे तो हमारी ये बात हो रही थी, तो अनम स्पेशली कह रही थी कि वो खुद ट्रेनिंग देंगी उसको, हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, वो सारी चीज़ें उनको भी वो भी मिलेंगी, ताकि जब वो अगली दफा कंपटीशन में आएंगी तो आप लोगों से ट्रेन होके आएंगी इंशाल्लाह, भी करेगी इंशाल्लाह। मैं मुझे सच्ची में मुझे नहीं अच्छा लगता कि ज़ाहिर है उनकी अम्मी की डेथ हुई और मैं यहाँ उनको बुलाऊँ, लेकिन वो अगर वहाँ खड़ी नहीं और वो सुन रही हैं तो मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी तरफ से वो अफसोस कबूल फरमाएं और सब्र दें। मतलब कल भी जब देख रहे थे हम लोग स्क्रीन पे स्पेशल चाइल्ड होना, मतलब माँ के लिए कितनी एक वो तकलीफ दे बात है, वो कैसे बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ताला की नज़दीक निदा उनका रुतबा बहुत बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों से ही ऐसी आजमाइश लेता है। आप देखें स्पेशल चाइल्ड है, फिर जिस तरह से वो कर रही है हिम्मत कर रही है, वक्त तो देखे एक टाइम आता है कि गुजर जाता है, लेकिन ये तकलीफें जो होती हैं ना अल्लाह ताला के आगे, जाहिर से पता है अपने पसंदीदा बंदों के आगे ये ऐसी मुश्किलात होती हैं, और इंशाल्लाह वो हिम्मत कर रही हैं इन सब चीज़ों से भी निकलेंगी। हाँ, और इंशाल्लाह जितना हो सका हम सब उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। वही ना, हम ये देखते हैं ना दुनिया में कि इंसान ना अपने लिए नहीं कुछ कर रहा होता, कोई एफर्ट कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। अब काशिफ ने अगर मेहनत की होगी तो काशिफ के दिमाग में होगा कि मेरी अम्मी है, मेरी बहन है, मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली को अपग्रेड करना है। मेरे माँ बाप ने अगर मेहनत की होगी तो वो सोचेंगे हमारे बच्चे हैं, हमने इनको हमने अपने सेल्फ मेड हैं, हम अपने बच्चों को हम इतना ऐसा कर दें कि ये मतलब लाइक बच्चों का आगे जा सकें, घर वालों का सोचता है तो हर जो भी मेहनत कर रहा होता है ना, मैं समझता हूँ वो कभी भी अपने लिए नहीं सोच रहा होता। हाँ। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो किसी भी शक्ल में हो, कोई किसी भी फैमिली का कोई सा भी फर्द हो जो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा होता है, जो दिन रात काम कर रहा होता है, उसके आगे उसके अपने जो लोग जो बहुत क्लोज होते हैं सिर्फ उनको खुश देखने के लिए, क्योंकि मैं भी अगर काम करता था मैं भी अपनी फैमिली के लिए करता था। कितनी बड़ी बात है उनके लिए और वो यहाँ पर आई है क्योंकि कमिटेड थी हम लोगों से। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मैं इतनी इम्प्रेस हो गई उनकी इस जुबान देने के पास रखने के तरीके से बताने के लिए पर आई। अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे। मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद हम वापस आएंगे। आपको पता है ऑब्वियसली अंबर जो है वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, तो समीना कमल जो है किस्मत ने उनको किसी तरह दोबारा प्रोग्राम में शामिल करवा दिया है। आई होप कि वो आज काम बेहतर करेंगी कल के मुकाबले में, और वो वाला है ना कि इंसान गिरकर ही खड़ा होता है और जब उसके ठोकरें आती हैं सामने तो ही वो सीख पाता है कि ज़िंदगी का एक्चुअल मज़ा
है क्या. एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं माँ ममता और मेकअप का. आज सेकेंड डे है, मेहंदी थीम है हमारी. आप देख रहे हैं अनम और मैंने जो जेब तन किए हुए, मुझे बहुत प्यारे लगे ये कलर्स. हम ज़रा खुशी की तरफ वापस आते हैं और आपको अपने आप को खुद बकअप करते हैं, क्योंकि सुबह है, सुबह का टाइम है और आपको कामों पे निकलना है, आपको अपनी सुबह की शुरुआत करनी है. तो थोड़ा सा बकअप करते हैं, एक ब्रेक के बाद एक अच्छे एनर्जेटिक मोड के साथ हम आपके सामने होंगे. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, माँ ममता और मेकअप. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक नई एनर्जी के साथ मैं, काशिफ और अनम आपके सामने हैं. आप देख रहे हैं माँ ममता और मेकअप का नया सीजन, जिसका है आज दूसरा दिन. आज हमारे पास 8 नहीं बल्कि 7 कंटेस्टेंट्स हैं अपनी अपनी बेटियों के साथ. और मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारे साथ कौन कौन है. हमारे साथ, मैं उधर से शुरू करना चाहूँगी, हमारे साथ शाजिया रहमान है वहाँ पे अपनी बेटी के साथ. फिर हमारे साथ यहाँ पे जरीन फाजिल हैं अपनी बेटी के साथ, जिसका बैज नहीं होगा मैं उसका नाम ही नहीं लूँगी. फिर यहाँ पे हमारे पास कमल जुल्फिकार हैं अपनी बेटी के साथ. हमारे साथ हैं समीना कमल लकी, लकी लड़की, मतलब लड़की लकी खातून है ये, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कल डेंजर जोन में थी और आज दोबारा वापस आई है. आज इन्होंने अपना बेस्ट करना है, देखना ये है. रोज बचत नहीं होती, रोज बचत नहीं होती. फिर हमारे पास है शमीम गुल अपनी बेटी के साथ, वो फर्स्ट पे बैठी हुई है. जी थोड़ा मानूस करा दूँ ना आप लोगों को जरा अपने कंटेस्टेंट से. हमारे पास है नौरीन फरमान अपनी बेटी के साथ. और हमारे साथ हैं कुरतुलैन काशिफ. इतने खूबसूरत जोड़े आप लोगों ने जो पहने हुए हैं. ये वाली ख्वाहिश जो है ना, ये आप लोगों की पूरी हो गई है ना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. सोशल मीडिया पे लोगों की, आप सबको देख रहे होते हाँ. हैं सारे जितनी भी मॉडल्स होती हैं, सेलिब्रिटीज है जिसने पहने हाँ. होते हैं, तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है. और ऐसे विशेष आप सिर्फ मेरे कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे कि कितना हाँ. ज्यादा जो है लोगों को क्रेज होता है पहनने का. अच्छा बिल्कुल. एक बात ये है कि जब ब्यूटिशियन कॉम्पिटिशन हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट हाँ. किया है, तो हमारी जो स्ट्रगल होती थी ना ड्रेस और ज्वेलरी के लिए इतनी ज्यादा होती थी. और इन लोगों को इतना रिलीव है इस चीज में कि ना इन्हें ड्रेस करना है. मैंने भी जिस जमाने में पार्टिसिपेट किया था तो बड़ी टेंशन होती थी किसका ड्रेस लें, ज्वेलरी लें. तो ये उससे पूरी एक लुक बनती है, ब्यूटी आती है. मैंने बड़े फेस किए तो इससे बड़ी आसानी कर दी. सरप्राइज है वैसे, आज तो सबके लिए एक सरप्राइज है. उस सरप्राइज से पहले हम आपको 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आपने बेस लगा देनी है. आपने जो बेस है ना वो आपने लगा देनी है, ठीक है. तो मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद सरप्राइज हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है. या 10 मिनट दे रही हूँ, अपनी बेसेस निकालें और जल्दी जल्दी से बेस प्रॉपर अच्छे से लगा लें. सिर्फ 10 मिनट है टाइम बेस का. आपका टाइम शुरू होता है अब. जी अच्छा, मैं यहाँ जब तक ये बेस लगा रही हैं, मैं काशिफ से कुछ पूछना चाहूँगी. एक पहला सवाल तो मेरा ये है कि जब आपको बेस लगानी होती है, खासतौर पे ब्राइड्स को, या गर्मियाँ हैं जाहिर है, इस वक्त तो अब शादी हॉल भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे, सलॉन्स भी खुल गए, तो मुझे बताइए कि क्या अपने चेहरे को तैयार करके आपसे मेकअप कराने आना चाहिए. यानी बहुत सारी लड़कियां आती होंगी, वो क्या गलती करती हैं आपके पास आने से पहले जो आप उनको कहते हैं, अरे भाई ये ब्राइड जो हैं एक दिन पहले बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में कोई मायूं की रस्म होती तो उपटन लगा लेती है बहुत ज्यादा एक दिन बड़ा वो अब पता नहीं केमिकल्स होते हैं क्या, पहले तो चले करते थे लोग ना, लेकिन अब मोस्टली जो है इस तरह के केसेस आते हैं कि उपटन वगैरह बहुत ज्यादा लगाने की वजह से स्किन बहुत तबाह हो जाती है. अच्छा, इसकी वजह से बेस के लिए इश्यूज होते हैं फिर हमें भी, ठीक है. एक बहुत हमें बहुत
अच्छी स्किन मिल रही होती, जो हम अपने हिसाब से सर्विसेज कर रहे होते हैं तो स्किन तैयार हो जाती, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी फिर वेस्ट नहीं लग रही होती, उसके बाद उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। अदरवाइज कुछ लोगों को आई थिंक कि गोरा होने का बहुत शौक है तो ब्लीच इतना ज़्यादा कर लेते हैं तो उससे भी स्किन बर्न हो जाती है। अगर एक दिन पहले अगर स्किन बर्न होगी ना निदा तो वो फिर एक दिन में ठीक भी नहीं होती, हम उसको फिर बहुत थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। अगर उपटन की होती है मलवटे मतलब खानदान वाले होते हैं ना उनको बड़ा शौक होता है, चेहरे पे नहीं करें बहुत ज्यादा, चेहरे पे नहीं करें, बाकी जगह कर लें आप ना, फेस पे बहुत ज्यादा नहीं करें। और फेस क्योंकि आपने देखिए एक अगर आप फेस पे करना है तो कितने दिन पहले मेकअप, नहीं आप एक हफ्ते पहले कर लो, एक हफ्ते पहले एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर कुछ जैसे इस तरह के ऑर्गेनिक ऑप्शंस वगैरह होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं तो उनमें मेरा नहीं ख्याल के रिएक्शन ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ अब मिलावट ऐसी होती है लोगों को पता भी नहीं है, 80% ऐसा है निदा के उपटन से डैमेज हो जाती है स्किन। और एक बात ये भी है ब्राइड्स की कि बहुत सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जो कि बेस में प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन ब्राइड इतना कॉन्शियस होती है कि नहीं फेस वैक्स भी कराना है, ब्लीच भी करानी है, उपटन भी लगा लिया होता है, तो बहुत मतलब बेस में बहुत मसला हो जाता है। ब्लीच कर लिया और फिर वैक्स कर लिया तो फिर आप देखिए जख्म बन जाते हैं, जख्म बने हुए हैं वो बिल्कुल उभरे हुए हैं, तो देखिए फिर हमें फिर ऑटोमेटिकली उसको बेस को फिर हैवी करना पड़ेगा, तो बजाय इसके क्योंकि अगर आपकी स्किन भले से कैसी भी है आपने बहुत ज़्यादा इस तरह का अगर कोई ब्लीच से डैमेज नहीं हुई स्किन आपकी, आपकी वैक्स से ख़राब नहीं हुई, उपटन से ख़राब नहीं हुई भी, तो कोई सा भी आपको कैसा भी इवन के कॉम्प्लेक्शन बनाना है बनवाना है हम तो वो भी कर देंगे, उसका मसला नहीं होता और बड़ा एक नेचुरल तरीके से बन जाता है। लेकिन अगर आपने बहुत कभी फेयर करने के लिए स्किन को बहुत ज़्यादा आपने बहुत स्मूथ करने के लिए फ्लॉलेस करने के चक्कर में इतना इंपॉर्टेंट डे है आपका और आपने उसको बिल्कुल ही फिर अगर इस तरह के कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया आपके पास कोई चांस नहीं है, नहीं करना चाहिए। और वो भी होता है कि अक्सर लड़कियाँ वैक्स करा आपको कल नजर आ रही है कल डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने स्टिक ही नहीं लगाई फेस पे और समटाइम्स नहीं ऐसा होता है कि हम जो है बहुत कम के चक्कर में भी ऐसा लगा लेते हैं बेस तो वो ज्यादा भी लग रही होती है, सबके पास 6 मिनट ज्यादा भी लग रही होती है कम के चक्कर में तो वो और पैचेस भी आते हैं तो वो इवन भी नहीं होती तो आपका पूरा मेकअप भी सही नहीं हो पाता। अच्छा कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी भी कर लेते हैं जबकि स्किन को नीड नहीं है, तो सबसे पहले खास ख्याल इस चीज़ का रखना चाहिए कि मतलब स्किन को ज़रूरत कितनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्किन अगर बहुत अच्छी है इसमें मोस्टली वैसे स्किन अच्छी है तो लोग जो है उसमें ज़बरदस्ती हैवी कर देते हैं बेस को, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ज़रूरत होती है। आप स्किन देखें और आपको पता होना चाहिए इनकी, तो मेरे ख्याल में सारी जो है जाहिर सी बातें माँ बेटी पता है किसी भी बच्ची को एक्ने का प्रॉब्लम भी नहीं है, सबकी स्किन जो है वो स्मूथ बहुत अच्छी है, वेरी नाइस बिल्कुल। तो जी यहाँ 5 मिनट 23 सेकंड आप लोगों के पास हैं बेस के लिए और ऑब्वियसली जब आप बेस लगा लेंगे और उसके ऊपर फिर जब मैं आपको मेकअप करने का मौका दूंगी तो फिर दोबारा बेस नहीं लग सकती है, ये सोच ले। तो बेस लगाने के लिए आपके पास अब बस 5 मिनट का टाइम बाकी रह गया है जिसमें आपने सॉलिड बेस बनानी है। अच्छा लोगों का अलग अलग तरीका होता है बेस लगाने का, फॉर एग्जांपल जैसे लाइक अब मैं उस नतीजे में पहुंची हूँ, मैं बहुत अपना मेकअप चेंज करती रहती हूँ ना, कभी किसी तरह का करती हूँ कभी किसी तरह का, तो अब मैं सबसे पहले बेस लगाने से पहले सबसे पहले मैं आई मेकअप कर लेती हूँ बगैर बेस के, क्योंकि आई मेकअप करते हैं ब्लेंडिंग वाले आजकल ज्यादा इन्हें वो झड़ते हैं पहले क्या होता था यहाँ पूरा गिर जाता था तो मुझे अपने कंसील करने के लिए ना पूरे डार्क सर्कल्स दोबारा बार 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 कंसीलर लगाना पड़ता है, वो फिर ओवरलैप हो जाता है, फिर क्रैक होता है, ऐसा हो जाता है कितना खराब हो जाता है, फिर वो बेस तो मैं उस नतीजे पे पहुंची, मैंने पहले अपना आई मेकअप किया, उसके बाद मैंने आई मेकअप रिमूवर से जो चीजें गिरी हुई हैं इधर वो मैंने सब साफ कर लिया और बाकायदा ठीक ठाक काला ब्राउन जो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो निकला, तो उसके बाद वो करने के बाद फिर मैं बेस करती हूँ। आपने तो फिर नोटिस भी करती होंगी आपकी आई की शेप भी बड़ी अच्छी बन जाती है जब आप बेस करते हो तो आंख ऐसा लगता है पूरा आई मेकअप जो है ना तो बड़ा सटल सा हो गया बिल्कुल, ये बड़ी फिनेस लुक आती है। और जब मैं मेकअप आर्टिस्ट से कराती हूँ तो वो तो बेस लगाती है मेरी आंख पे, मगर जब मैं खुद अपना पर्सनल मेकअप करती हूँ ना कहीं पार्टी में जाने के लिए शादी में जाने के लिए टीवी के लिए नहीं, तो मैं आंखों के ऊपर आईलिड पे बेस भी नहीं लगाती। हाँ
नहीं नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, होता ये कि आपकी स्किन बड़ी अच्छी एक फ्लॉलेस स्किन होती है और जब हम उस पर कभी बेस भी लगा देते हैं तो वो आप देखें बहुत ज्यादा लेयर आ जाती है, क्रीज बन जाती है, क्रीज बन जाती है। आप तो खुद ही देखेंगी ये सभी मेरी स्किन है तो बिल्कुल आप देखें बिल्कुल नीट है ना। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो कंसीलर टाइप की कोई सी भी चीज़ होती है, प्राइमर होती है, थोड़ी देर बाद अगर वो ड्राई होगा क्योंकि वो पकड़ेगा उसको ग्रिप बनाएगा तो आप देखेंगे उसमें जो मेरी लाइन है ना प्रोमिनेंट हो रही होगी उसमें। फिर जब आई शेडो वगैरह जब हम लगा रहे होते हैं उसमें तो वो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद जो है तो उसकी क्रीज जरा जरा सी बनी हुई होती है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल लाइट सा कोई सा भी कंसीलर या आई शेडो बेस लगाते हो तो उसमें जिस तरह से आप कह रही हैं कि शेड बहुत खूबसूरत आता है तो एज इट इज ऐसी होता है, तो जरूरत नहीं है कि हर वक्त हम बहुत ज़्यादा बेस लगाए हैं। बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के शेड यूज करते हैं तो वो नजर आते हैं, उसके लिए जरूरत नहीं होती है फिर किसी आई बेस की। अच्छा जी, 2 मिनट 49 सेकंड आपके पास है जिसमें आपने अभी सिर्फ बेस लगानी है और कोई चीज नहीं इस्तेमाल करनी अपने मेकअप किट से कि आपके अब तो मेरी बेस लग गई है तो चलो मैं कॉन्टूर शुरू कर दूं। चलो बेस करके काफी देर से तो खड़ी है नहीं, लेकिन आपको आपको लग रहा है कि आपने सही बेस की है? अगर आप जरा प्लीज शमीम गुल की बेटी का चेहरा दिखाएं, जरा क्लोज जाए, क्लोज जाए। ये अभी 2 मिनट 21 सेकंड है, आपको लग रहा है ये सही है बेस? मैं दिखा दूं, कंसील हुआ हुआ है, डार्क सर्कल्स छुपे हुए हैं। अच्छा ये बेस जो है ना, मुझे तो डार्क सर्कल्स नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं निदा, मैं थोड़ा सा बताऊंगा जी कि कभी भी आप मेकअप कर रहे हो और बेस करने के बाद आपने क्या इस पे शाइनर लगाया, इसने इस पे कौन सा दिखाओ निदा जरा। अभी शाइनर वाइनर कुछ नहीं लगाना है आप लोगों? नहीं नहीं नहीं, वो बेस पे इनके होगा लुक पाउडर में ना, तो ये ना कभी भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अभी भी हम इवन के मोबाइल से भी अगर हम ऑन करेंगे ना ये पूरा चेहरा चमक रहा होगा, तो एक सटल चीज़ होती है इसे हाईलाइट करना, हाईलाइट सही लगता है लेकिन पूरे चेहरे पर ना ये बहुत बुरा लगता है ना। जो आप कॉम्पैक्ट यूज करें वो शिमर वाला नहीं, शिमर नहीं वो बिल्कुल मैट हो, बिल्कुल स्टिक के लेयर भी लाइट है क्योंकि ये कवर देखो ये डार्क सर्कल्स है ना हुए नहीं है, अगर आप इसको जरा सा माइनर से अभी भी 1.5 मिनट है तो ये हैवी, अभी भी आपके पास 1.5 मिनट है जो कर सकती हैं कर ले। इसको जरा सा यहां से इसको कवर करो इसको पूरा और जितना भी ये चमक रहा है ना इसके ऊपर दोबारा मैट लग मैट करके इसको बिल्कुल डस्ट आउट कर दो, स्टिक जो है ना हैवी नहीं की नीड थी स्किन पर स्टिक के जी। 1 मिनट 12 सेकंड्स का बल्कि 10 सेकंड्स का टाइम है, बेस का टाइम अब खत्म हो रहा है, 1 मिनट 5 सेकंड्स आपके पास रह गए हैं जिसमें आपने अपना मेकअप अपने बेस को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम आएंगे आपके सरप्राइज पर जो हम आपको देने वाले हैं अभी। अच्छा भी कल समीना जो थी उनकी बेस गड़बड़ थी, अभी 46 सेकंड्स हैं, समीना की बेस देखें आज क्या इम्प्रूवमेंट नजर आई है, कल से बेहतर है कि? समीना इम्प्रूवमेंट है शुक्र है। हाँ कल बहुत ज़्यादा केकी हैवी हो चुकी थी। हाँ नहीं हो जाता है बाकी कन्फ्यूजन हो जाती है। हाँ जी लेकिन ये कि 30 सेकंड्स लेफ्ट बेस को रीड करें, बेस आपने बहुत मुश्किल बनाई हुई है। बहुत इतना मुश्किल नहीं है, बेस बहुत ही ज्यादा ईजी हो चुकी है, अब वो टाइम नहीं है बिल्कुल। अच्छा काश मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, 20 सेकंड रह गए हैं, कल इन सब ने घर जाके आपके ट्यूटोरियल्स देख के इन्होंने प्रैक्टिस किए घर जाके। अच्छा तो अब हो सकता है कि आज बहुत अच्छे से मेकअप कर रहे हैं। 10 9 8 7 अरे 5 पे पहुंच गए, 4 3 2 1 स्टॉप प्लीज, उधर भी स्टॉप हो गया जी। क्या हमारा टास्क तैयार, क्या करना है हमारी टीम ने? अगर मेरी यहाँ पे जो दुल्हन हमने बुलाई है वो आ गई, ओके तो हम अब मैं जो ना आपके छक्के छुड़ाने वाली हूँ क्योंकि अगर जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको सिर्फ अपनी उंगलियों की जरूरत है, अपने जादू को जगाने की जरूरत है, अपनी क्रिएटिविटी की जरूरत है, जो सही सच्ची मेकअप आर्टिस्ट है जो अंदर से क्रिएटिव है उसको ना सामान और चीजों की जरूरत नहीं होती अपने आप को प्रूव करने के लिए। यहां मैं आपको पहले बुला के दिखाऊंगी काशी की दुल्हन को जो इन्होंने तैयार की है, उसके बाद आपको टास्क देकर हैरान करूंगी कि टास्क क्या है। आइए जरा हम उधर चलते हैं ताकि हम उस तरफ जा रहे हैं यहाँ दुल्हन आ जाए जी, हम जा रहे हैं अपनी कुर्सियों की तरफ ताकि दुल्हन जो सैंपल आपने आज मेकअप करना है वो हम यहाँ बुला रहे हैं। आइए जी काशी की ब्राइड,
इस दुल्हन को गौर से देखिए, ये जो मेकअप है ये आप लोगों ने करना है, मगर उससे पहले अपने अपने ब्यूटी बॉक्सेस को बंद कर दीजिए। उसकी वजह ये है कि आपको कुछ मखसूस चीज़ें दी जाएंगी मेकअप के लिए। बेस आपने लगा दी, ठीक है, आपको इन डब्बों में जो यहाँ पे डब्बे लटके हुए हैं, इन डब्बों में कुछ अलग अलग सामान मौजूद है, कोई एक दो चीज़ें होंगी मेकअप की। आपने छः डब्बे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैं एक एक को मौका दूंगी कि जाके कोई छः डब्बे सेलेक्ट करती जाए और इस तरह वो छः डब्बे अपने पास लाके रख लेने। उन डब्बों को जब आप खोलेंगी तो उन डब्बों में से अलग अलग मेकअप का सामान निकलेगा। शायद मस्कारा होगा, शायद कोई आई शेडो होगा, शायद ब्लशन होगा, आई पेंसिल होगी, लिपस्टिक होगी, कुछ भी ऐसा सामान हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि शाजिया के पास वो छः चीज़ें जो हमने अलग अलग डब्बों में डाली हैं वो आ जाएं एक साथ। शाजिया के पास डबल ब्लश ऑन भी आ सकता है, शाजिया के पास डबल मस्कारा भी आ सकता है, या तीन मस्कारे भी आ सकते हैं, यू नेवर नो। तो आप लोगों को यहाँ पे एक छूट मिलेगी और वो है बारगेन करना होगा आपने। अगर शाजिया के पास आ गई कोई दो चीज़ें और यहाँ पे वो जो शाजिया के पास चीज़ें नहीं है यहाँ किसी और के पास होंगी वो दो चीज़ें, आप बार्टर करेंगे, समझ में आई, अदला बदला होगा। तो यहाँ आपकी काइंडनेस देखी जाएगी, आपकी अकलमंदी देखी जाएगी और आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी कि उन छह चीजों से आप इस तरह का मेकअप कैसे कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट ये पांच छह चीजों से ही हुआ हुआ है मेकअप, और हम एक मेकअप करके भी दिखा रहे हैं ना। अच्छा, करके दिखा रहे हैं। हाँ, आपको याद नहीं है? भूल गए? नहीं याद है मुझे ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप ऐसे कोई काम मुझसे ना करा। मतलब बाद में आप लोग रखे होते हैं हमारे ना, हम शो नहीं रेडी किया, सरप्राइज आएगा, तैयार हो गया हूं मैं। ये लोग दिल में सोचेंगे कि हाँ यार छह चीजों से कौन कर सकता है मेकअप, तो हम ऑन एयर आपको काशिफ से कहकर दिखाऊं। तो डेफिनेटली जो आप लोगों के साथ जिन चीजों से आप लोग करोगे मेकअप तो मैं भी यहाँ कर दिखाऊंगा। ब्रेक आ गया, इतनी जल्दी ब्रेक आ गया है यार, अभी ब्रेक कैसे आ गया, अभी तो आए हम, अभी तो वापस आए। ओके, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ, जरा आपको टास्क बता चुकी हूँ। अगर कोई नर्वस हो रहा है तो वो अपने आप को जरा जूस वूस पी के सेट करे, क्योंकि ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपको मेकअप के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम दूंगी, मगर उससे पहले ये जो बार्टर सिस्टम है इसमें जरा आप प्रॉपरली अपने जहन को तैयार कर लें कि आपने क्या करना है। एक छोटे से वक्त एक बात, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टास्क है छह चीजों से दुल्हन बनानी है, और वो ये लोग कैसे बनाएंगे ये ही तो देखने का काम है। मां मानता और मेकअप कंपटीशन देखने के लिए छोटी सी वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे कंटेस्टेंट्स क्या तैयार हैं उस टास्क के लिए जो मैं अब देने वाली हूँ? बड़ा एडवेंचरस टास्क है, बड़ा एडवेंचरस बता रही हूँ मैं आप लोगों को। लाल डब्बों में खतरा लग रहा है मुझे। लाल डब्बों में खतरा है, अगर आप हमसे जरा हटो मैं डब्बे दिखाऊं उन लोगों को। हाँ, अगर तुम जरा सामने से हटो, फ्रेम खाली करो, मैंने ये डब्बे दिखाने। यस, ये डब्बे वो हैं जो जिसमें एक एक चीज लटकी हुई है। मेरे पास यहाँ पर्चियाँ होंगी, मैं नाम निकालती जाऊंगी, एक एक कंटेस्टेंट जाके छह डब्बे काटेगी अलग अलग जो भी उसकी चॉइस के होंगे, और वो डब्बे ले आएगी अपने पास, लेकिन वो खोलेगी नहीं। इसी तरह फिर दूसरी जाएगी, फिर डब्बे ले आएगी, इस तरह सब जाके बारी बारी, क्योंकि एसओपीस का ख्याल रखना है, तो मैं दो से ज़्यादा कंटेस्टेंट्स को एक साथ नहीं भेज सकती, ठीक है। तो इस तरह दो दो की जोड़ियों में सब जाएंगे। जब सबके पास छह डब्बे आ जाएंगे, अपने मेकअप को भूल जाना, आप ब्रशेज निकाल लेना, बाकी कोई और चीज़ नहीं अपनी मेकअप की निकाल देनी, ब्रशेज बाहर निकाल के रख लो फटाफट। हाँ ठीक है, अब क्या होगा, मेरी पर्चियाँ कहाँ हैं? नाजरीन हाजरीन आ रही है? हाँ, तो जो पर्चियाँ निकलती जाएंगी इस तरह, फिर क्या होगा, जब डब्बे जो है खुलेंगे उनमें से कोई एक एक चीज़ निकलेगी मेकअप की। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि अगर आपके पास डबलिंग हो गई चीज़ों की, ये ज़रा ले लीजिएगा प्लीज़ मेरे लिए पर्चियाँ, अगर आपके पास चीज़ों की डबलिंग हो गई तो आप बार्टर कर सकते हैं अपने कलीग के साथ। ऐसा हो सकता है कि कोई अगर नहीं देना चाहे तो? की मर्जी,
नहीं देना चाहेगा, मगर उस पे भी शर्त है, बार्टर आप सिर्फ दो चीजों का कर सकते हैं, सिर्फ दो चीज, दो से ज्यादा नहीं कर, दो से ज्यादा टाइम बार्टर आप नहीं कर सकते, नहीं होगा तो आपको आपकी लक, इस मुकाबले में लक का बहुत खेल है। देख ले समीना कंवल साथ है हमारे, कहाँ गई समीना, तो ये तो माशाल्लाह लकी लकी है। तो जी पहली पर्ची, एक उठाओ अनम और एक उठाओ काशिफ, और नाम बता दो मुझे फटाफट। समीना कंवल, समीना कंवल, तुम तो कोई अपनी अम्मा की, अम्मा ने तुम्हें ऐसा पैदा किया, लकी लड़की। और दूसरी कौन थी, नौरीन फरमान। चलो जी नौरीन, जरा कैंची दीजिएगा शमीम, नौरीन आइए, ये दूसरी सबकी है, जाइए अपनी कैंची से अपने डब्बे तोड़ के ले आइए, खबर छह डब्बे आपके, छह डब्बे उनके, जाइए एसओपीस का ख्याल रखिएगा, दूर दूर रहिएगा, छह डब्बे समीना के, छह डब्बे नौरीन के, उन डब्बों को खोले बगैर, उसको हिलाए बगैर, ये जाने बगैर कि उसके अंदर क्या है, अपनी लक आजमाइए। और छह डब्बे ये मिठाई के डब्बे हैं आपके लिए, इसको इसको अपने साथ ले आइएगा। टाइम जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, बहुत सोचने का टाइम नहीं दे रही मैं आपको। ओके हम तैयार करें नेक्स्ट पर्चियां, नेक्स्ट दो लोग कौन जाएंगे, ये देखिए, देख लेना भाई उधर बेईमानी तो नहीं हो रही, शमीम गुल और कुरतुलैन अपनी अपनी कैंचियों के साथ तैयार है, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, उनको वापस आने दें। समीना कमल और नौरीन ये वापस आ जाएं अगर आपके छह डब्बे पूरे हो गए, जल्दी से अपने एक्टिव हुई है बहुत। हाँ समीना जल्दी से जल्दी स्पीड, भाई क्या हो गया, उठाई नहीं जा रही, एक दो तीन चार पाँच छह, ओके जाए ना आप भी, अरे रुके बहन अभी रुके, जाइए शमीम, शमीम भी जाए, और दूसरी कौन सी गई थी मैं भूल गई, कुरतलैन, कुरतलैन और शमीम जल्दी जल्दी स्पीड में छह डब्बे काटे अपने, नीचे रखती जाओ भाई अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ओह टूट गया, सोचो उसमें कोई शेड हुआ टूट गया तो तुम लोगों का क्या होगा, जल्दी जल्दी स्पीड अप स्पीड अप, छह डब्बे, अब दो और नाम निकालें, क्या आखिरी की तरफ शाजिया और दूसरी कौन सी, जरीन फाजिल, जरीन जरीन रुक जा रुक जा, अपनी कैंची तैयार रखें, जैसे ही वो यहाँ वापस आएंगे वैसे ही आप आज आ जाए, अच्छा जरीन और शाजिया, शाजिया ना जी जी शाजिया, जाइए जी जरीन और शाजिया अपने अपने डब्बे लेके आइए फटाफट, छह चीजों से है आज मेकअप करना, ये है आज का टास्क, और सैंपल ब्राइड हमारे सामने है, इनका जो मेकअप है वो छह चीजों से हुआ है, इसको प्रूव करने के लिए काशिफ यहाँ लाइव मेकअप करके दिखाएंगे, तो जी जल्दी जल्दी स्पीड, इतना स्लो नहीं, आखिरी जो बची है वो बेचारी आखिरी मैं निकाल देती हूँ, कौन सी, कमल, कमल जुल्फिकार बची है, कमल जुल्फिकार तुम जो हो ना कल भी तीन दफा गई आज भी सबसे आखिरी में नंबर, जाओ कमल लेकर आओ अपने डब्बे, फिर मैं शुरू करूँ, ये पकड़ना भैया, ओके अपने डब्बे जल्दी करो यार, स्पीड 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 स्पीड, अच्छा जी अब एक काम करें सब, अपने अपने डब्बे खोलने हैं, जैसे ही आती हैं कमल जुल्फिकार, कमल स्पीड लगा लो मेरी जान, टाइम हो रहा है, हाँ ओके वेरी गुड, 25 मिनट से 20 मिनट करेंगे, 25 मिनट नहीं दूंगी मैं इनको, इनको 20 मिनट दूंगी, ऑलरेडी मैं इनको 10 मिनट बेच के दे चुकी हूँ, अपने अपने सब डब्बे खोल के मुझे दिखाएं क्या क्या किसके पास डबलिंग हुई है, सब अपने अपने डब्बे खोले, सब अपने अपने डब्बे खोले, मेकअप स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ मुझे आप अपनी चीजें दिखानी है, हाँ भाई किसके पास दो दो चीजें आई है, प्लीज जरा शोर शराबा करके काशिफ और अनम थोड़ा सा आप लोग पीछे होंगे ताकि मैं करूँ, तो लैंड काशिफ को अभी काशिफ देख मैं ये खोल के, हाँ अच्छा क्या डबलिंग हुई है भाई आपके पास, एनी दो पेंसिल करो तो लैंड, दो व्हाइट कलर की पेंसिल आई, दो व्हाइट कलर की पेंसिल आई है आपके पास, आपके पास भी दो व्हाइट कलर की पेंसिल आई है, आप चेक कर लीजिए व्हाइट है कि एक ब्लैक है, नहीं दोनों व्हाइट है, अच्छा और आपके पास क्या है, दो लिपस्टिक्स आई हैं, आपके पास क्या है क्या है
समीना के पास तीन लिपस्टिक्स आई. समीना क्या बेच दो बेच दो. समीना आज तीन लिपस्टिक से मेकअप कर. और आपके पास क्या है? हाँ, दो आई शेड. और नौरीन के पास आया है दो ब्लश. आपके आपके पास दो आई लैशेज और दो ब्लैक शेड्स आए. नेता वैसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें हाय करना मेकअप ना. एक मुझे आईलैशेस के लिए. ए क्या बार्टर है. ए सुनो क्या चाहिए तुम्हें. करो तो लैंड करो तो लैंड. कमल आपसे बार्टर करना चाह रही है कि आप उसे एक आईलैश दे दें और आप उसके बदले में व्हाइट पेंसिल ले लें. क्या आपको मंजूर है? ओके जी बार्टर. दो दफा ही होगी. सिर्फ दो बार्टर कर सकते हैं आप लोग. सिर्फ का ही है. मुझे बता के बार्टर होगा. मैं यहाँ पे कोई हूँ. या आपस में खिड़कियों से झांक झांक के नहीं होगा. ओके दूसरा बार्टर कौन करने जा रहा है? एक्सक्यूज मी प्लीज मुझे बताए बगैर बार्टर नहीं होगा. हाँ सही. हाँ आप क्या बार्टर करना चाह रही हैं कमल? ब्लैक शेड. एक मिनट. ब्लैक शेड कमल बार्टर कर रही है जरीन से जिसके पास दो लिपस्टिक है. ओके अब आप बार्टर नहीं कर सकती. ठीक है अब आपको अपने काम चलाना होगा. कमल का बार्टर हो चुका है. जी जरीन एक बार्टर आप कर चुकी हैं. जरीन दूसरा बार्टर कौन सा करना चाहेंगी आप? नहीं अभी ही करना अभी है. करना है. हाइलाइटर क्या दिया है? नहीं दिया. नहीं, नहीं, नहीं है. आपके पास छह चीजें पूरी हो गई हैं. पूरी हो गई हैं. आपको जरूरत नहीं बार्टर की. आपके पास तीन लिपस्टिक्स है. आपको क्या क्या बार्टर करना है? लिपस्टिक चाहिए. क्या आपको ब्लश ऑन चाहिए? समीना एक. अच्छा आपके पास ब्लश ऑन है तो आपको क्या चाहिए? हाइलाइटर दिया ही नहीं है किसी को. नहीं आपको आपके पास आई शेडो है. आपके पास आई शेडो है. ब्लैक आई शेड है. ब्लैक आई शेडो है तो आपके पास क्या नहीं है? हमने आईलैशेस किसके पास है एक्स्ट्रा? आपके पास है. और आपके पास लिपस्टिक है. अरे बाप रे फंस गए. अच्छा बात सुने प्लीज. एक सेकेंड. अगर इस तरह बहुत हबड़ दबड़ होगी आपको किस चीज की जरूरत है? आपको ब्लश ऑन की जरूरत है. अच्छा एक मिनट. मुझे एक माइक चाहिए. मैं कैसे करूँ नाजरीन बात? एक माइक मुझे अगर फरहाम कर दिया जाए. जी थैंक यू. जरा इस तरफ मुंह कर ले. कैमरा सारा उधर है. जी आपको किस चीज की जरूरत है? व्हाइट पेंसिल की और ब्लश. व्हाइट पेंसिल और ब्लश ऑन की जरूरत है. और आपके पास एक्स्ट्रा चीजें क्या है? क्या कॉन्टोर पाउडर? जी कॉन्टोर पाउडर आईलैश और आईलैश. जी कॉन्टोर पाउडर किसको चाहिए? किसको? और आपको क्या चाहिए? ब्लशन. जी ब्लशन और व्हाइट पेंसिल. अच्छा व्हाइट पेंसिल आपके पास है. आपको ब्लशन भी चाहिए और आपको व्हाइट पेंसिल भी. इनके पास सिर्फ कॉन्टोर और आईलैश है. आपको क्या चाहिए? जी लिपस्टिक चाहिए और ब्लैक शेड. जी ब्लैक शेड उनके पास है. देखिए आपको आईलैशेस भी चाहिए. आपके पास लिपस्टिक है ना? ये क्या हो रहा है? सबसे पहले गई थी और तीन लिपस्टिक लेकर आई है समीना. क्या ये है मेरे पास? ये सब बहुत अदला बदला हो गया है. सिर्फ कमल जो है कौन लकी है? ये लकी है. जरीन अभी मेकअप नहीं शुरू करना. रुक जाओ पहले हम सॉर्ट आउट कर लें सामान को. ओके देखें आप लोग दो बार्टर कर सकते हैं तो कुछ ऐसा कर लें कि एक बार्टर आप इनसे कर लें फिर एक बार्टर आप इनसे कर लें. हाँ क्या जी? अच्छा जिसके पास एक्स्ट्रा जो चीजें हैं ना ठीक है वो अपने हाथ पे यहाँ रख दे. जैसे मुझे सबके पास आपके पास दो लिपस्टिक एक्स्ट्रा हैं. आपके पास कुछ जरीन आप जी प्लीज. आपके पास भी हो गया. अच्छा आपके पास दो एक्स्ट्रा चीजें हैं. बाहर निकले मुझे नजर आने चाहिए दुल्हनों के आगे. आ जाओ एनी आप भी आइए प्लीज. बैठने का टाइम नहीं है. इधर आइए. आपके पास क्या एक्स्ट्रा चीजें लेकर आइए? कंप्लीट है इसका. सब पूरा है. आप जाइए पीछे. अच्छा बस अब 1 2 3 4 लोग हैं यहाँ. ठीक है लिपस्टिक किसके पास नहीं है? आपके पास नहीं है. आपके पास वाइट पेंसिल भी है और ब्लशन भी है. ठीक है और किसी और को लिपस्टिक चाहिए? आपको एक लिपस्टिक आप उनको दे दें एक इनको दे दें. आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए? मुझे आईलैशेस चाहिए और कंटूरिंग. आईलैश और कंटूर आप इनको दे दें. ठीक है अच्छा अब आपको क्या चाहिए? ब्लश ऑन ले लें आप. और क्या चाहिए? बस हो गया ये आपको. सबने
आप देखें दो दो चीजें थी वो सबकी बार्टर हो गई, अब आपके पास छह चीजें, बड़ा मजा। ये बहुत खिचड़ी पकी है, बहुत खिचड़ी पकी है। अब मैं आप लोग प्लीज अपना ना हाइलाइटर ना अपनी कोई और चीज इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आपके मेकअप में हाइलाइटर भी यूज नहीं हुआ। यहाँ पर पूछ रही थी कि हाइलाइटर नहीं है, हाँ। तो बता दूं मेकअप में हाइलाइट कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं जो भी शेड्स हैं वो बिल्कुल मैट कलर्स ही लगाए हैं। प्लीज आप सब हमारी बात सुने, आप लोग सिर्फ आईलैश ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लू हमने आपको नहीं दी, वो आप अपने सामान में से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ब्रशेस, और कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करें। हमने आपको कॉन्टोर दे दी, हमने आपको ब्लशर दे दिया, हमने आपको लिपस्टिक दे दी, हमने आपको काला आई शेडो दे दिया, हमने आपको आईलैश दे दी, तो अब आपको किस चीज़ मस्कारा नहीं मिला मेरा ख्याल से, किसी को यह मस्कारा है? मस्कारा इसमें यूज भी नहीं हुआ, मस्कारा नहीं। आईलाइनर जब काला शेड लगाए तो बहन उसी को तुम काला करके लगा दो, लगा दो ये तो अब मैं 20 मिनट का टाइम आपको दे रही हूँ, ये है क्या हुआ जी? नहीं लगा लो, वैसे कोई बात नहीं, हमें तो मेकअप चेक करना है। लैशेस मैंने सबको बराबर दी है और वो लैशेस दी थी जो आप लोग रोज ला रहे थे प्लास्टिक वाली, सॉरी टू से प्लास्टिक वाली लैशेस हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने आपका काम बेहतर लगे। आपका टाइम 20 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, आपका टाइम शुरू होता है अब। और काशिक तुम्हारा भी 20 मिनट का टाइम शुरू होता है, तुम भी तो करोगे ना? काशिक भी कर रहे हैं जी इन छह चीजों से ब्राइड का मेकअप। आइए हम जो है वो आपको मेकअप देखने का मौका देते हैं। ओहो हो, यहां मैं बताना चाहूंगी नाजरीन, इतने सारे कामों में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना भूल गई। याद है आपको मैंने क्या बताया था कि जीतने वाले को जो यहां से ग्रैंड फिनाले तक पहुंचेगा और जो जीत पाएगा उसको मिलेगा 2,00,000 रुपए का कैश प्राइस इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। नाजरीन बहुत बड़ा इनाम है, एक ऐसे पार्लर को जो घर में कमरे में खुला हुआ है उसको अपग्रेड करने के लिए 2,00,000 रुपए काफ़ी हैं, और ये पहली सीढ़ी होगी जो यहाँ से जीतने वाला चढ़ पाएगा। तो आइए देखते हैं 20 मिनट्स में छह चीज़ों से मेकअप, वो भी दुल्हन का मेकअप कैसे किया जाता है। ये आप लोगों की क्रिएटिविटी है, हमने आपको कॉन्टोर दी, हमने आपको लिपस्टिक दी, हमने आपको ब्लशन दिया, हमने आपको आई लैश दी, हमने आपको ब्लैक शेड दिया और हमने आपको व्हाइट पेंसिल दी। ये छह चीजें हैं जिनसे आपने बनानी है एक खूबसूरत मेहंदी ब्राइड। ओवर टू काशिक। अच्छा नीता, ये ब्लैक शेड ही यूज कर रहा हूँ मैं, जैसा आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैंने रामिन के आईज पे जो लगाया है मैं उसको वेट कर रहा हूँ और पूरा शेप बना रहा हूँ आईज की। जो छह चीजें हमने दी हैं अपनी कंटेस्टेंट्स को, वही छह चीजें काशिक भी यूज कर रहा है और मैं दिखाता रहूंगा साथ साथ। हाँ, अभी ब्लैक शेड है, बस इसको मैट कर देना, हाइलाइटर नहीं लगाएंगे हम ना आज हमने इस मेकअप में हाइलाइटर नहीं लगाना, तो बच्चियों ने पहले लगा लिया। जो तुम्हारा ब्लैक शेड दिखाओगे काशिक, वही शेड हमने इनको दिया हुआ है ना, इसी तरह का ब्लैक शेड दिया हुआ है। वेट करके लगा लें इसको ना, ब्रश को वेट करके फिर शेड लगा लें। पानी की बोतलें आपके पास होंगी, आप लोग पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। काशिक ने ये बताया कि इस ब्लैक शेड को वेट करके, आप सोचिए कौन सा कॉन्टेस्ट ऐसा होगा जहाँ प्रोसीजर भी बताया जा रहा है कि उन छह चीज़ों को कैसे यूज़ करा है, मतलब मेरा दिल कितना नरम है, हमारे जजेस का दिल कितना नरम है। और सच्ची बात तो ये मैं आपको याद है आपका है कि मैं अगर नहीं भी करूँ तो ये आप करवा देती हूँ मुझसे, है ना? अच्छा साफ साफ मैं आपको याद दिला दूँ कि भाई आप जजेस हैं तो अपने बड़ा गौर से शो देखना है, क्योंकि अनम और काशिक के अलावा आपकी जजमेंट को भी हमने मद्देनजर रखा है, जो आपने मैसेजेस किए हैं, जबकि काशिक ये कह रहा था कि अंबर को हम रखें और अंबर का मेकअप बेहतर है, मगर क्योंकि पोल और वोट आपने जो है वो किया और उसकी वजह से काशिक भी ने कहा कि जी नाजरीन को हम रिस्पेक्ट करते हैं और नाजरीन जो है उनके कहने के मुताबिक हमने अपना सजेशन आपको सुनाया।
और काशिफ देख रहे हैं आप कि नो लाइनर, सिर्फ वो ब्लैक शेड से ही वो किस तरह मेकअप कर रहे हैं लाइनर का ब्रश यूज करके. एग्जैक्ट. और इसी शेड को आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना पूरा वेट किया है, उसके साथ पूरा आईलेट को कवर करूंगा ताकि एक बड़ा अच्छा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाए. अच्छा, आप नाजरीन यहाँ देख रहे हैं क्योंकि काले रंग को संभालना आसान काम नहीं होता ना. आप काले रंग का मेकअप जब आंखों पे करते हैं, कभी कभार बहुत सारी खवातीन ने ऐसे किया होता है जैसे घूसा मार के आते हैं, ज्यादा कर लेती है और पूरा फेस भी समटाइम ऐसा होता है कि आपका फेस भी बहुत ब्लैक लग रहा होता है. तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह काशिफ ने ब्लैक मेकअप करना शुरू किया है. मगर यहाँ जो हमारा कैमरा अलग अलग कंटेस्टेंट्स को दिखा रहा है वो बिल्कुल भी ऐसे इस तरह उन्होंने स्टार्ट नहीं किया और वो इस तरह मेकअप नहीं कर रही हैं. तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि अगर आपको सीखना है तो काशिफ आपको बता रहे हैं कि इस तरह शुरुआत ब्लैक शेड है ना निदा, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है. बिल्कुल. और ऑब्वियसली अब जैसे टास्क में ज़्यादा कलर्स भी नहीं है तो एडवांटेज भी नहीं है हमारे पास कि हम किस तरह से कलर्स के साथ खेलें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं कि हमें बहुत नीटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा. हाँ. अच्छा, ये वही वाली बात है, काशिफ फिंगर से ब्लेंड कर रहे हैं उस ब्लैक शेड पर. आप देखें मैंने एक ना गाइडलाइन बनाई. हाँ, ठीक है. हाँ. कि डायरेक्ट अगर मैं शेड लगाऊंगा तो इस तरह से ब्लैक नहीं आएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल ही ग्रे सा हो जाएगा. उसको लगाने के बाद फिर मैं दोबारा से इसको वेट करके शेड को मिक्स कर रहा हूँ. ये हार्श लाइन है, ये डिफ्यूज हो जाए और एक बिल्कुल ही नीट लुक आ जाए. इनको अब ये इनकी जहानत है, मैं एक्चुअली सबके सामने नहीं बोल रही, ये इनकी जहानत है कि कॉन्टोर को ये आए ब्रो पेंसिल के तौर पर भी या आए ब्रश लगा के गीला करके कॉन्टोर को आए ब्रोज पे भी लगा सकते हैं. लेकिन स्टार्ट ही बहुत गलत कर रही है, मतलब बहुत कट कॉर्नर्स बना रही है ब्यूटिशियंस जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, कॉर्नर्स बना दिए. तुम जाके नाम लेके बताओ क्योंकि अभी भी वक्त है, 14 मिनट 19 सेकंड है. क्योंकि है नहीं ना उसमें. अनम तुम जाके, क्योंकि मैं वहाँ बहुत घिचपिच हो रही है, मैं इसलिए SOPs की वजह से इतना जा नहीं पा रही हूँ. तुम जाओ और देखो कि क्या हो रहा है मेकअप का काम. हाँ, 14 मिनट 13 मिनट 57 सेकंड्स आप लोगों के पास है और यहाँ साथ साथ ब्रेक भी आ गई है, तो ब्रेक पे हमें जाना है. मगर आप ये देखिए कि 13 मिनट से पहले पहले इंशाल्लाह हम वापस आ जाएंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन है जो काशिफ की जैसे मेकअप बिल्कुल कर रहा है, जो उन्होंने वहाँ पे सैंपल भी बिछाया हुआ है, करीब से जाके किसी को देखना है वो भी देख ले, उनको पकड़ पकड़ के उनकी आंखें बंद करवा करवा के वो सब देख सकती है. आप लोगों को हमने इजाज़त दी हुई है. नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाएगा, SOPs का ख्याल रखिएगा, बस मुँह से बोल दीजिएगा इधर देखो उधर देखो. एक छोटे से वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज का टास्क है 6 चीज़ों से आपको मेहंदी ब्राइड तैयार करनी है और अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि मैं कम चीज़ों से भी क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकती हूँ. जीतने वाले को जो ग्रैंड फिनाले तक पहुँचेगा उसको मिलेंगे 2 लाख रुपए कैश प्राइज इम्तियाज सुपर मार्केट की तरफ से. माँ मामतौर मेकअप सीजन, कौन सा सीजन है गिन के बताओ. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं माँ मामता और मेकअप का नया सीजन. माएँ अपनी बेटियों के खूबसूरत मेकअप्स कर रही हैं और कंपटीशन में शामिल हैं. यहाँ 7 कंटेस्टेंट्स हैं और जीतने वाली को मिलेगा 2 लाख रुपए का कैश प्राइज इम्तियाज सुपर मार्केट की तरफ से. 1 मिनट 20 सेकंड रह गया आपका मेकअप खत्म होने में. वाओ, सबके मेकअप्स आज बहुत बेहतर हैं यार. कल से काशिफ इनको 6 चीज़ें ही देनी चाहिए थी कल भी. यकीन मानो आज इनके मेकअप्स कल के मुकाबले में मैं 50% ज़्यादा बेहतर कहूँगी हैं. मैं एकदम हैरान हुई ना, क्लोज आया काशिफ की दुल्हन का, मैंने कहा यार इतना अच्छा कौन कर रही है लड़की, मैं देख रही हूँ गौर से. फिर नज़र आया तो लॉन्ग शॉट आया, मैंने कहा ये तो काशिफ है. ज़रा प्लीज़ काशिफ की जो ब्राइड है जिस पर 6 चीज़ें यूज़ की गई हैं उसका क्लोज दिखाएँ. काशिफ ने वो भी मैट कर दिया जो मैट किया है. काशिफ आपने अभी तक मैट कर दिया, राइट वाला नहीं हुआ शायद. कौन सा राइट वाला गाल? हाँ ये वाला, ये भी मैट कर दें. सिर्फ ब्लश ने निदा, हाँ ब्लश में, ब्लश में हल्का सा ये है शिमर है. हाँ, शिमर है बस. हाँ, ना हाँ ब्लशर में शिमर होगा. ओहो क्या ब्राइट बनी है ये 6 चीज़ों से. जस्ट इमेजिन ये 6 चीज़ें. यही ब्लशर वाला शेड जो है आइज के नीचे लगा हुआ है. हाँ. जो उनके पास है ऑलरेडी और यही ब्लशर है और इनर बॉटल लाइन पर आप देखें वाइट जो मैंने अपना शेड लगाया हुआ है और जो पूरी जो आईलेट पर है देखो ब्लैक शेड जो नज़र आ रहा है
ये ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसी को किस तरीके से पहले मैंने वेट करके लाइनर के तौर पे लगाया था, फिर उसको फिंगर से लगाया था वेट करके, और उसके बाद फिर फाइनली मैंने इसको ड्राई शेड के साथ पूरा ब्लेंड कर दिया था, तो कोई इसमें हार्श लाइन नहीं है। टाइम खत्म हो गया है। काशिफ ने जो सब चीजें आपको अभी बताई हैं, ये वही चीजें हैं जो आप लोगों ने यूज की हैं और आप लोगों ने मेकअप किया। प्लीज सब छोड़ दें मेकअप, आप जो हो गया सो हो गया, प्लीज सब छोड़ दें। आप मेरी सुनती नहीं है बहन, थोड़ा अल्लाह के वास्ते मैं होस्ट हूँ, मेरी सुन लो। जरीन कल भी नहीं सुन रही थी, आज भी नहीं सुन रही थी। आप सब प्लीज सब छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया, प्लीज सब छोड़ दें। जी मैं सबका चेहरा एक दफा प्लीज सब प्लीज मेरी दोस्त प्यारी बहन शमीम, पता है मैं अगर रूड होंगी तो मेरी सारी जो मैंने इतनी इज्जत बनाई है सब खत्म हो जाएगी आज के शो में, सीरियसली। आइए जी शमी शाजिया रहमान, शाजिया रहमान वहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं उनकी बेटी का मेकअप दिखाना चाहूँगी, हेयर के लिए हम फिर टास्क देंगे आपको। शाजिया रहमान, शाजिया रहमान को हमने पूरे 30 मिनट दिए, 10 मिनट हमने दिए बेस के और 20 मिनट यानी कि 30 मिनट्स का टाइम दिया है। और दोबारा दिखाइए शाजिया की जो मेकअप है, शाजिया कॉन्टूर कैसे करोगी? भूल गई? हाँ शाजिया, माय गॉड, 30 मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आज आपको जजमेंट करने में थोड़ी सी आसानी हो, एक ही नाम के पीछे ना पड़ जाए आप। आइए जी दिखाइए, कमल प्लीज बैजेस अपने सही करें। कमल, कमल जुल्फिकार की बेटी, कमल जुल्फिकार जरा उस तरफ, राइट लेफ्ट दोनों तरफ करो। ये तुमने साइड में क्या लगाया? ये क्या बेस है, क्या है? नहीं, शेड लगाया, ब्लैक शेड लगाया। मैं चाहूंगी काशिफ अगर तुम आके देख सको स्क्रीन पे, देखकर मुझे बताओ क्योंकि स्क्रीन पे नाजरीन भी देख रहे हैं और तुम भी। हाँ दोबारा से दिखाइए, वहां से आइए दोबारा से, शाजिया रहमान से आइए। ये शाजिया सीधा करें प्लीज, कैमरे की तरफ मुंह करें मेरी जान, मेरा बच्चा अपनी बेटी को कैमरे की तरफ दिखाई जी। इन्होंने 30 मिनट लिए हैं इस मेकअप में और इनका ये मेकअप है, ठीक है? ओके जी, आइए कमल जुल्फिकार की बेटी का चेहरा दिखाइए, 30 मिनट में इन्होंने ये मेकअप किया है, ठीक है? मैं अभी सबके मेकअप आपको दिखा दूँ, फिर आइए जी जरीन फाजिल, जरीन फाजिल की बेटी का जो मेकअप हुआ है, आंखें खोलो प्लीज जी। ये आई मेकअप है, राइट और लेफ्ट देखो एक दफा ताकि हम तुम्हारा काले आंखें जो ही वो देखें। हाँ ओके, हाँ जी समीना कंवल, समीना कंवल की बेटी का ये मेकअप हुआ है, आंखें खोल भी ले बहन। हाँ लैशेज नहीं लगाई, क्या लगाई है? अच्छा ठीक है, समीना कंवल लकी खातून, हाँ मतलब कि कल से आज तक ये पहुंच सकी है। ओके आइए जी दिखाइए शमीम गुल की बेटी को, सामने से आइए प्लीज, सॉरी कंवल आंखें बंद करें। हाँ हिला के चली गई कंवल, आप हमारे कैमरे को, हमारे कैमरे मैन मजबूती से पकड़े हुए थे कैमरे, ठीक है आंखें बंद, आंखें बंद हुई हुई। शमीम क्या हो गया तुम्हें आज जी? नौरीन, नौरीन फरमान की बेटी को दिखाइए, थोड़ा सा कैमरे की तरफ मूव कीजिए, अभी आपका इनकम्प्लीट है मेकअप आई गेस। लैशेज नहीं लगी? अच्छा आइए जी अगली हमारी कंटेस्टेंट है एनी कुरुतलैन, कुरुतलैन की बेटी दिखाइए प्लीज, जरा कुरुतलैन की बेटी जो है वो कैमरे की तरफ देखेंगी, अपना मूवी मोड़े, नहीं इस तरफ नहीं उस तरफ कैमरा है ना बाजे। हाँ जी ओके जी, आइए सबके मेकअप दिखा दिए मैंने प्लीज, अब हम डिस्कस करेंगे फिर मैं हेयर पे जाऊँ। अच्छा नहीं तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एनी पे कुरुतलैन जी। अच्छा आप ये देखें कि एक तो उनके फीचर्स माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और ऑलरेडी आप देखें आईज वगैरह सारी चीज़ें, तो कलर्स का ना देखें वो हर जगह ना पैचेस पड़ गए। जैसे मैं लगा रहा था स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसको बैठ करके पहले आपने अपनी एक गाइडलाइन बनानी होती है, एक बेस होती है, ठीक है? और उसके बाद जो है आपने फिर फिंगर से जैसे आपने शेड लगा लिया उसका पूरा ब्लेंड कर लिया, तो ऊपर देखो यहाँ से देखो ये भी बेस पूरा खराब हो चुका है, आई गेस कि पानी आ रहा था। लैशेस इनकी बेटी की शक्ल मॉडल वाली है, बहुत अच्छा मतलब फीचर्स में कह रहा हूं कि बहुत अच्छे हैं। अच्छा दोनों अगर और आई शेप इतना अच्छा है काशिफ, तो दोनों आईज में डिफरेंस भी हो रहा है, एक बड़ी हो रही है एक छोटी हो रही है। अच्छा दोनों मेकअप भी बिल्कुल चेंज हुए हैं, देखो यहाँ से इसका शेप अलग है, दूसरी वाली दोनों आईज में डिफरेंस इसीलिए है। ये हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि जब हम हेयर की तरफ जाएंगे आपको फिर एक मार्जिन मिलेगा,
ये गलतियाँ सुलझाने का आपको फिर एक मौका मिलेगा जब हम आपको हेयर कट टास्क देंगे, ठीक है? आइए जी नेक्स्ट तरफ आइए, बताइए यहाँ पे आपने कहा दोनों आंखों में फर्क है और इनका इनकी क्या थी खामी, मतलब लाइक कुरतलैन की आई मेकअप में ही देखे ना लैशेस वगैरह जो है पूरे ये देखें ब्लैक डॉट इसके नजर आ रहे हैं जो हमेशा आईज को बहुत बुरा दिखा रहे होते हैं, ठीक है? कोई सभी ये तो ग्लू के देखें शाइन है तो हमें इसको मैट करना पड़ेगा शेड से। आप ये देखें मैंने उस पर मस्कारा भी लगाया, उसका भी माहम का भी एक दफा क्लोजअप दिखा, माहम का क्लोज दिखाएं प्लीज जो काशिफ ने तैयार की है। मस्कारा भी इवन के नहीं लगा हुआ है, सिर्फ उसी शेड से मैंने पूरे ओवरऑल जो लाइनर के तौर पे भी लगाया है और इसी को डबल डबल कोट करके आईज डार्क किया है। जो आपके शेड्स गिरे हुए हैं उसको आप जो पूरे फेस पे आप देखिए कहीं से भी खराब नहीं है, कोई नीड उसको पानी में मिलाकर आप लगा सकती थी वो जो, अगर तभी हमने आपको मस्कारा नहीं दिया। नेता आप देखिए उसका मेकअप और इवन रामीन का, आप दोनों का मेकअप अगर कंपेयर करें, ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है और ये मेकअप जो है इनके साथ ही शुरू किया था मैंने, इनके साथ ही शुरू किया था। तो बेसिकली बात बताने की सिर्फ ये है कि एक शेड है और ये बड़ा सिंपल सा है, स्मोकी मेकअप से तो बहुत अच्छी आंख भी बन जाती है। बेसिकली टेक्निक होती है कि हमें संभालना पड़ता है कलर्स को, रंगों को। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नौरीन की जो बेटी है उनके ऊपर क्या आप तबसरा करेंगे प्लीज? अच्छा, इनका जो है शेड काफी अच्छा है, डार्क लगा रही थी लेकिन फिर भी इनको जरूरत थी इनर कॉर्नर्स, आप देख सकते हैं ये पहले लाइनर बना है तो लाइनर का शेप जो है बिल्कुल स्मज नहीं किया इसको सही तरीके से, तो जिसकी वजह से ना कलर जो है तीन कलर जब लगाए हैं तो वो अलग अलग पैचेस बन गए हैं इसके ऊपर, पता भी चल रहे हैं कि अच्छा ब्राउन लगाया हुआ है ऊपर, ब्लेंड नहीं हुआ है। अदरवाइज मुझे लग रहा है पिंक शेड भी इन्होंने कहीं बीच में यूज किया है कि नहीं, आई थिंक वो डार्क डार्क नहीं नहीं ऊपर उस पर क्या किया आपने, कॉन्टोरिंग शेड लगाया है इसके साथ ब्लैक के साथ। माइक ले लीजिए प्लीज, कुछ बोलना हो तो माइक ले लीजिए। ब्लैक के साथ मर्ज पिंक किया था, अच्छा सॉरी। हाँ आवाज सुन पाया है कोई काशिफ? आप बोलिए दोबारा क्या कह रही हैं आप, कौन सा शेड लगाया आपने इसके ऊपर ब्लैक के साथ? पिंक। पिंक लगाया, पिंक तो वैसे तो कोई मसला नहीं क्योंकि देखें ओवरऑल अगर ये कोशिश कर रही थी कलर्स की तो अच्छी ही कर रही थी। हाँ। और शेड भी इनका काफी अच्छा डार्क आया लेकिन थोड़े से इनके ना पैचेस पड़ गए। अच्छा, अदरवाइज ऑब्वियसली ये लोग अच्छा अच्छा करती होंगी, एकदम से कंफ्यूजन भी है तो ये अगर इनको गलती सही करनी हो तो ये क्या करेंगे? इनको इनका जो पूरा आईलेट का शेड है ये पूरा ब्लेंड होना चाहिए और वाटर लाइन पे जिस तरह से इन्होंने सामने देखो कैमरे की तरफ, ठीक है, जो वाटर लाइन पे आप देखें लगाया ना शेड ये आगे हमेशा जब मैं लगाता हूँ ना तो यहाँ इस साइड पे आउटर कॉर्नर की तरफ ना ज्यादा लगाता हूँ, आगे से ना बिल्कुल कम कर देता हूँ लाइट कर देता हूँ, ठीक है? ये एक टेक्निक होती है जैसे आप देख सकते हैं निधा वहाँ पे देखें सामने देखो वहाँ कैमरे में, ठीक है? अब जैसे एक बिल्कुल एक नीट लाइन आ गई, अभी सामने देख रहे हो तो ये फैल रहा है तो ये ऐसा लगता है जबरदस्ती हमने शेड बहुत सारे लगा लिए। हाँ। और लाजमी व्हाइट शेड लगाने के बाद जो है लैशेस जरूर नीट होनी चाहिए, इसका खास ख्याल रखना है, ठीक है? आगे बढ़िए और हम आप जा रहे हैं शमीम के पास, शमीम गुल जी, शमीम गुल की बेटी के बारे में क्या कहें? शेड्स बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं किए सही तरह से ना, हालांकि इनके फीचर्स भी हैं जो फोटोजेनिक, आंखें ऐसी हैं कि ये मेकअप उठे वो ना हर किसी की होती, बच्ची वैसे देखने में बहुत प्यारी होती है सामने से मगर स्क्रीन पे वो लुक नहीं आ रहा था, मगर आप लकी हैं कि आपकी बेटी के फीचर्स ऐसे हैं जो स्क्रीन पे जिन पे मेकअप सूट करता है। अच्छा, लैशेज जो है ना आप कभी भी लगाओगे ना तो बाहर से बहुत ज़्यादा इस तरह से ना हो क्योंकि इसकी वजह से आईज हमेशा देखो रूपी लगती है नीचे बोली, तो ये अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इनकी मार्जिन था बड़ी आईज है आप थोड़ा सा इनर कॉर्नर से ज़्यादा लगाती है तो ये पूरी लैशेज लग सकती थी और ये यहाँ से ऑटोमेटिकली फिर लिफ्ट हो जाती है, ये उठ जाती है यहाँ से, शेड्स ये ब्लेंड नहीं होते। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको करते हुए? माइक में प्लीज, माइक में बोलिएगा। कितना टाइम हो गया आप करते हुए मेकअप? 20 इयर्स। चलें, आप अगर इसको बेहतर कर सकती हैं तो फिर कुछ बेहतर कीजिएगा, यही मौका है आपके पास यहाँ रहने का या चले जाने का, क्योंकि 2 लाख रुपए कैश प्राइज उसी को मिलेगा जो जिसकी लक जिसकी क्रिएटिविटी सबसे आगे होगी, है ना? आइए जी आगे बढ़ते हैं और मैं अब भाई अभी भाई मेरी जानू सबके सब मेरे लिए बराबर हैं। हाँ जी, समीना, समीना की उस तरफ मुँह करूँगी मेरी बच्चे जब कैमरे के आगे। हाँ। अच्छा निधा, इन्होंने जिस तरह से शेड मतलब डार्क बनाया है, मतलब कलर बनाना तो वो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन दोनों जो शेप जो है आंखों की शेप खराब कर दी है, शेप आप देखो दोनों आईज की चेंज। माइक प्लीज दीजिएगा। अदरवाइज इनका ब्लैक बिल्कुल ऐसे ही आया इट इज जैसा मैंने शेड बनाया है। हाँ। सेम वैसे ब्लैक। समीना जरा ये आप मुझे राज बताएं,
कि ये आपका इतना डार्क ब्लैक कैसे, बाकी सब लोगों का इतना फुस है, मतलब वो कलर, मतलब आपने क्या क्या किया ऐसा कि डार्क हुआ? पानी मिला है, वाटर मिलाया है और ब्राउन शेड के साथ इसको ब्लेंडिंग दी है और पानी, क्योंकि जो हमने सबको बराबर एक ही शेड दिया तो, लेकिन सबके जो है वो ग्रे आ रहा है लुक, मगर आपका वो काला लुक आ रहा है जो काशिफ अपनी मॉडल को दे रहे हैं। ये शेप वो अच्छा नहीं बना लेकिन कलर बहुत प्यारा है, अच्छा जैसे इसका देखें आप, देखें ना इस तरह से क्लोज है, बिल्कुल काफी क्लोज है, तो कुछ बेहतरी है कल के मुकाबले में? कल के मुकाबले में बेहतरी है बस, लेकिन आपको आई शेप का जो है ना बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप कर रहे हो तो लाजमी या तो फिर आप मिरर में देखो अपने मेकअप को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मिरर जो है आपको फॉल्ट बताता है अपना बिल्कुल, जैसे कैमरा है हर चीज़ है, ठीक है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करें आप इस चीज़ को तो आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि हम भी अगर मेकअप कर रहे हो तो हम मिरर में बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि करते करते आपको आदत इतनी हो जाती है कि आपको पता होता है कि आई मेकअप में डिफरेंस आ रहा है, तो पहले प्रैक्टिस जब आप करो तो मिरर में अपने फॉल्ट देखते रहो, फिर हाथ आपका इतना सेट हो जाएगा आपको मिरर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ा माइक जी, ज़रीन फाजिल को आप क्या मशवरा देंगे? आप प्लीज माइक इनको ज़रीन को दे दें, थैंक यू। अच्छा, आईज क्लोज करें। इनका मेकअप जो है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सही ब्लेंडेड है इनका। अच्छा, ये मेकअप वो भी बहुत जल्दी गया था निदा, थोड़ा प्लीज मुंह कैमरे की तरफ बस। इन्होंने नाक जो है ना बहुत खराब बना दी, क्या वजह है इतनी ज्यादा कि गोरिया क्यों कर दिया इन्होंने, बेस भी ज्यादा, खैर इनका थोड़ा सा कल भी प्रॉब्लम था इनके बेस में। अब इनको शौक है गोरे होने का, आपकी बेटी को या आपको शौक है कि इनको गोरा मेकअप करें, किसको शौक है? अब तो वो ट्रेंड खत्म हो गया, गोरा होगा पाकिस्तान गोरा मेकअप ना निदा, थोड़ी देर बाद वेन्यू पे ब्लैक हो जाता है, फेस पूरा डल हो जाता है, ग्रे पैच आ जाते हैं स्किन पे, लेकिन आई कट बहुत अच्छा बनाया इन्होंने और बहुत जल्दी बना रहे थे, मतलब शेप 7-8 मिनट में इन्होंने किया हुआ था शेप आउट। अच्छा, आप इनको क्या मशवरा देंगे अगर ये ओवरऑल मेकअप बेहतर करें, जो इनको हम हेयर का टाइम देंगे उसमें थोड़ा सा टाइम मिले, मैं क्या कर सकती हूं? मैं एक लिपस्टिक बोलूंगी ना और एक बेस। लिपस्टिक क्या बोलोगी के? लिपस्टिक सेट करें, ये अंडर लिप्स बनाती है बहुत ज्यादा ना, ये शेप आउट नहीं करती। कल भी आपको पॉइंट आउट किया था, आप चाहती हैं अपनी गलती से आप सीख सकती थी। और बेस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस के बाद जो है आपका पूरा, आप कितना भी एक्सपर्टीज आप आई मेकअप में, आप ब्लश ऑन में, आप कंटूरिंग में दिखा लो, अगर बेस आपका सेटल नहीं है, बैठा हुआ नहीं है, तो पूरा मेकअप ऐसा बहुत ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बेस जो बहुत सफेद हुई हो उसको थोड़ा सा ये बेहतर कर सके, हो सकता है पूरे मेकअप के बाद उसको डल करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आई मेकअप माशाल्लाह इतना फिनिश होता है आपका, लिपस्टिक क्यों ऐसी हो जाती है, क्या मतलब ये जो कलर कंफ्यूजन है आपका? नहीं, लिपस्टिक जो है वो कलर नहीं, शेप शेप सही नहीं बना होता लिपस्टिक, शेप अंदर अंदर कर देती है उसका, होल बाहर होता है, आईज का कट बहुत अच्छा होता है आपका, ये देखिए क्यों मैं आपको दिखाऊंगी, सॉरी कोरोना है लेकिन मैं सिर्फ दूर से टच कर रही हूँ, ये वाली जो है ना ये नजर आ रहा है, ये इसका लिप वहाँ तक है, आप अंदर सेंटर भी देखें ना, अपर लिप सेंटर देखें, अपर लिप जो है सेंटर, ठीक है। आइए जरीन, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले पहले मैं सबकी चीजें पूछ लूँ। कमल को क्या कहेंगे आप जी, कवल ने क्या गड़बड़े की, कवल तुमने इतना गिराया है मेकअप, आईज के नीचे के नीचे सब कुछ लगा दिया, बताया था है ना। अच्छा, क्या करें अगर इस, जैसे मैंने बेस पहले लगवा दी थी इनसे, अगर ये एक मिनट क्या करना चाहिए एक आम इंसान को अगर इतना शेड गिर जाए तो, अब ये नेक्स्ट क्या करें? फिर आप पहली बात, अगर ये इस तरह से आप डार्क आईज बना रहे हो तो आप पहले आई मेकअप कर लो और उसके बाद यूजली हमने तो पहले इनसे बेस लगवा दिया, वैसे बता रहा हूं उनका एडवाइस कर रहा हूं क्योंकि इस तरह का मसला ऑब्वियसली इनके साथ हो जाता होगा। अब अगर हो गया मेकअप करें, हां अब अगर हो गया तो क्या? अगर हो गया देखिए, अब इसके बाद अभी भी ये कंट्रोल हो सकता है किस तरीके से, क्योंकि अंडर आईज पर आप देखें शेड ज्यादा मतलब गिरा हुआ है जिसकी वजह से ओवरऑल पूरे डार्क सर्कल्स बन गए। आपके पास दोबारा से मेकअप रिमूवर है या कुछ, क्या इस्तेमाल करेंगे? रिमूवर नहीं करेंगे, फिर बहुत ज्यादा फिर इनको मसला हो जाएगा, कोई सा भी थोड़ा सा जो ब्राउन में ही डार्क शेड होगा तो वो उसको लगाकर नीट कर, पहले डार्क लगाओ बाद में कॉम्पैक्ट्स को थोड़ा सा लाइटर कर लो, ब्राउन शेड हां मिक्स कर देंगे मतलब ब्राउन के नीचे, आईज के नीचे तो फिर हमारे उससे हट जाएंगी है, क्या चीज जो हम लाइट बहुत डार्क हो चुका है ना, पहले लाइट ब्राउन करके इसको, उसके बाद जो है हम इसको जैसे अच्छा काशिफ लाइटर कॉम्पैक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद मैं ये कह रहा हूं उससे ये होगा कि ब्लैक जो शेड है हल्का सा जैसे ब्राउन हो गया, मैं समझी नहीं, एज अ व्यूअर मैं आपसे समझना चाहती हूं, हल्कों पे जो ब्राउन कलर गिर गया ब्राउन जिस तरह प्रेस पाउडर होते हैं जिनको हम वेट करके भी लगाते हैं, वो जब हम
हम लगाएंगे हाँ वाटर बेस्ड टाइप ना, तो वो इस जगह पर लगाएंगे तो वो उसकी जितने भी ब्लैक हुआ है उसको डिफ्यूज कर देगा। अच्छा। डायरेक्ट हम इसको लाइटर करने के लिए जब हम लाइटर शेड लगाएंगे, क्योंकि ग्रे शेड ऑलरेडी गिरा हुआ है, ब्लैक गिरा हुआ है तो और काला हो जाएगा। पहले हम कोई ब्राउन कोई सा भी शेड वाटर बेस्ड कर लें, या कोई लाइट सा बिल्कुल ब्राउन होगा उसके भी हम वेट करके, क्योंकि अभी इनको कर सकते हैं कंसील कर देंगे किसी एरिया को जब हम करेंगे। ठीक है, अब तो ये हल्का सा अगर चले ब्राउन गिरा, उसके बाद हम लाइटर कोई भी कॉम्पैक्ट उसी जगह पे लगा देंगे, ये देखिए जितना भी डार्क पैच है ना पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा एक रह गई हमारी, सॉरी है ना मैं आपको बीच में काट रही हूं, टाइम शॉर्ट है, हमने ब्रेक पे जाना है, शाजिया रहमान रह गई, प्लीज उनके हवाले से बता दीजिए ताकि फिर हम ब्रेक पे जाएं। हमने हेयर का टास्क देना, इससे पहले हेयर यही जो बैठी हुई है इसी तरह का टास्क होगा ना, हम 30 मिनट दे सकते हैं हेयर के लिए, 30 मिनट नहीं दे सकते अच्छा बेटर लगेगी लोअर, क्योंकि वो काफी कर्ल्स और वो सब है ना। इसको नोज पे क्या लगाया, नोज कंट्रोलिंग बालों के लिए और बस ये आईलैशेस की जो एक फेक जो आप देख सकते ट्रांसपेरेंट जो लाइन है इसको डिफ्यूज करने के लिए वही इनको दो तीन दफा जरा कोट करना था, जिसकी वजह से ये ओवरऑल जो है इस लाइनर एरिया आइस पर सामने एक ब्लैक लुक आ जाती है यहाँ पर ना, तो ये फेक लुक नहीं आता। तो आई शेप जो है इनका मैं ये कहूँगा सब में काफी अच्छा और बेहतर है। ठीक है, और बाकी ये कॉन्टोरिंग का टाइम कॉन्टोरिंग का थोड़ा सा इनका जो है नोज पे बहुत हार्श लाइन आ चुकी है, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल और स्क्रीन पे ना कॉन्टूर नजर भी नहीं आ रही, नजर नहीं है लेकिन ये जैसे शेप है ये बिल्कुल रखी हुई नजर आ रही है, और लिप्स को थोड़ा हार्श कर दिया, लिप्स को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, थोड़ा सा बढ़ा के बनाओ। ओके जी, यहां मैं 30 मिनट्स प्लीज कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रही हूं, क्योंकि बाल थोड़े से मुश्किल है, बाल जो बनाए हुए हैं वो कर्ल्स किए हुए, क्या किया हुआ है ये काश, मैसी कर्ल्स किए हुए जो मेरा अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, और आई एम श्योर इन्होंने बहुत सारे मेरे जो है ऐसे मेकअप देखे हैं, और ये बड़ा एक सिग्नेचर स्टाइल है, और ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में कॉमन हो चुका है, तो अब सबको इसकी मैं आपको दिखाना चाहूंगी जी, सैंपल ब्राइड वहाँ बैठी हुई है, इस तरफ देखो कि प्लीज, हाँ ये देखिए ये वाले बाल हैं जो वहाँ तो आपने दिखा दी, दोबारा अब इनको भी दिखा दीजिए, दो तरफ से हम दिखा रहे हैं, दोनों के एक जैसे बने हुए बिल्कुल। ये सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें कि ये ब्रेड है या कर्ल हुआ है, ये कर्ल्स करके इनको ब्लेंड किया है बिल्कुल ना, टोंग कर लें इसको किसी भी तरीके से, के बाद इसको ब्लेंड कर दें, मिक्स कर लें। आप सबके पास टोंग्स हैं, सबके पास टोंग्स हैं, हेयर टोंग आपके पास है, टोंग आपके पास, आपके पास, आपके पास। अच्छा अगर टोंग नहीं है आप लोगों के पास तो आप ये लोग फिश ब्रेड बना सकते हैं। अच्छा। और उसको खोलें, इसको पुल करें ताकि उसमें भी एक मैसी लुक आ जाए, यानी ओवरऑल साइड से इनको मैसी लुक ही देना है। इसी तरह से क्लोज रखें आप, जिस तरह से ऑब्वियसली अब टोंग नहीं है तो नहीं कर सकती, सिमिलैरिटी नहीं आएगी, लेकिन आप जो फिश ब्रेड होती है वो बना सकते हैं आप लोग। और फिर आप 30 से आप प्लीज 25 कर दें मिनट, कम करें 5 मिनट, क्योंकि मैं तो कह रही थी कर्ल होंगे योगे, अब ये टोंग्स ही नहीं लाए हुए हैं इनके पास, आपके पास है ही नहीं टोंग्स, आपके पास है, जिसके पास है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, 25 मिनट्स का मैं टाइम दे रही हूँ, इसमें हेयर डू भी होगा, और जो जो आपके मेकअप में खामियां निकाली गई हैं मैं आपको मौका दे रही हूँ उस खामियों को सही करने का, कौन कंपटीशन में जिसमें 2 लाख रुपए का कैश प्राइज होगा कौन देगा, लेकिन ये मेरा जो दिल है ना ये आप लोगों की वजह से धड़कता है, इसीलिए आपको ये सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है काशिफ अनम और मेरी तरफ से, तो खुदा के वास्ते अच्छा काम कर लेना, क्योंकि जीतने वाले को मिलेगा 2 लाख रुपए कैश प्राइज इम्तियाज़ को मार्केट की तरफ से। आपका टाइम शुरू होता है, ये 25 मिनट हेयर के लिए है, आपकी फिनेस लुक के लिए है अब, और यहाँ लेंगे हम एक छोटे से ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे पास जो टाइम रह गया है कितना रह गया भाई दिखाओ मुझे जरा, वाकई 25 मिनट दिए थे मैंने, 14 मिनट रह गए आप लोगों के पास, और हेयर डू थोड़ा टेक्निकल है सीरियसली, इसलिए मैंने आपको 25 मिनट का टाइम दिया, हाँ ये थोड़ा टेक्निकल है, और मेकअप तो आपने काफ़ी बेहतर कर लिया कल से, लेकिन देखना ये है कि आप हेयर डू कैसा कर पाते हैं। मैं आपको बताती चलूँ जनाब, यहाँ
एक फायदा तो हो रहा है हमारी कंटेस्टेंट्स के लिए कि उनको 2 लाख रुपए कैश प्राइज मिल रहा है इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से ग्रैंड फिनाले में, मगर हम आपको भी फायदे में रहने दें ये हम पूरी कोशिश करते हैं। और इसलिए कल हमने सेल लगवाई थी जैस्मीन पैलेट पे, कल सिर्फ कल के लिए सेल थी 50% डिस्काउंट, खत्म हो चुकी है अब, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन जो आज नई सेल हम अनाउंस करने वाले हैं वो किस पे है काशिफ? रूबी पैलेट पर है। रूबी पैलेट और कौन सी? रीजन ये था कि कल जो है इसके कलर्स में मैं दिखा देता हूं, और साथ साथ जो है मेरी सबसे ज्यादा जो हॉट सेलिंग है जैस्मिन लैशेस। जैस्मिन लैशेस वो जरा क्लोज पे जाए नहीं लगी नेता, ये वो कभी सेल नहीं लगी, पहली दफा लगा रहा हूं लैशेस पे पहली बार है। हमारे व्यूअर्स की डिमांड होती है और मेकअप जो है अगर आपने कुछ भी नहीं किया सिर्फ एक वन शेड लगाया सिर्फ ये लैशेस लग जाती है ऑटोमेटिकली जो है आई बिल्कुल बहुत स्टैंड आउट हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है बिल्कुल उस तरह की लैशेस है। तो ये बड़ी मैजिकल लैशेस है और अभी जो माहम की और रामीन की आप देख सकते हैं सेम यही यही लगी हुई है, यही लगी हुई। क्या नाम है इस लैशेस का? जैस्मिन लैशेस। जैस्मिन लैशेस और रूबी पैलेट भी हो जाए नहीं तो लैशेस लगती है ऐसा लगता है बहुत परफेक्ट ब्यूटिशियन है कोई। तो जनाब सिर्फ आज के लिए नाजरीन सिर्फ आज के लिए इस पे है 50% डिस्काउंट। आप अगर कहें कि हम कैसे 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 जो है फोन करें या कैसे मैसेज करें तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या आपकी टीम अगर ये भी है जैसे आज तक के लिए वैलिड है तो बहुत ज़्यादा जो है मैसेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स आ रही होती है जो अटेंड नहीं हो पाती जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, तो वो सिर्फ मैसेजेस अपने छोड़ दें और आपकी टीम कॉल करेगी उन्हें। अगर आज नहीं कर सकी तो कल कर लेगी या परसों, लेकिन वो इस डेट के हिसाब से सारे मैसेजेस होंगे तो वो बाद में मिल जाएगी, जरूरी नहीं है कुछ लोग ये समझते हैं हम बाद में देखेंगे तो ऐसा कोई, लेकिन मैसेज आज की डेट में ही होना चाहिए। और लोगों को निदा बहुत ज्यादा होता है पत्नी शायद आप लोगों को इस तरह से बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है लोगों को निदा के शो में मैं कब आऊंगा तो मैं जैसे अनाउंस करूंगा ये चीजें तो 50% डिस्काउंट मैंने सोचा वाओ। क्लाइंट से पूछते हैं तो मैं कहती हूं निदा का शो देखना वहीं से मिलेगा डिस्काउंट, तो हमने आपके लिए भी कुछ अच्छी चीज रखी है जाहिर है और जजेस आप भी हैं तो इसीलिए जरूरी है आप लोगों को शामिल करना अपने प्रोग्राम में। सब लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और मेरे लिए मेरी तरफ से सबके लिए दुआ है कि आप लोग इस हेयर स्टाइल इस हेयरडू को बनाने में कामयाब हो जाएं। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टास्क थोड़े से मुश्किल होते रहेंगे। कल के लिए जो हमने सोचा हुआ है ना वो आप सोच ही नहीं सकते कि कल का टास्क क्या होगा। जनाब 10 मिनट 57 seconds लेफ्ट हेयरडू और मेकअप की फिनेस आपको देने का मौका दिया है। कल तो मुझे लग रहा है मेरा भी इम्तिहान है कहीं बहुत बड़ा। आपको मैं रोज ही इम्तिहान में डाल रही हूँ। कल का बहुत मुश्किल लग रहा है वैसे मुझे। भाग ना जाना कल काशिफ से ये आइडिया बहाना नहीं करना कि मेरे पेट में दर्द है मेरे सर में दर्द पता चले आओ नहीं काम को नहीं छोड़ सकता ये जो भी मसला नहीं अब तो मैं आ चुका हूँ। लेकिन एक्सटेंशन दिखाएं आपकी कैसी है अगर एक्सटेंशन करेंगे नेता वैसे ये आइडिया किसका था ये जो आप लोगों ने मीटिंग की है ये डर्टी माइंड हमारी टीम का और मेरा डर्टी माइंड हम सब चेंज कर सकते हैं ये आइडिया नहीं बिल्कुल भी नहीं ये इस पे हमने जो है ना वो हमने ऊपर से जो है ठप्पा लगवा लिया तो कल का टास्क जो है उसके लिए तैयार होके आएगा। जैसे आज की रात आपने नींदें हराम की हैं आपने जो ट्यूटोरियल्स हैं और जो चीज़ें हैं वो आपने बैठ के देखी हैं उससे आपका काम कल से बहुत बेहतर नजर आया है। ऐसे ही आज भी आपने ट्रेनिंग करनी है कि आज तक के पास चीजें ज्यादा नहीं थी। हाँ देखिए आप ना एक्सटेंशंस रख के लाए ना टोंग रख के लाए और पार्लर में ये सारी चीजें जरूरी हैं। अगर आप यहाँ से जीत के गए और आपने पैसे जो यहाँ से कमाए तो उससे प्लीज आपको ये सामान लेना बड़ा जरूरी है ताकि आप अपने काम को काम में अच्छा हमारे हेयर स्टाइल में टोंग का बड़ा किरदार होता है तो हाँ। जितने भी ब्यूटिशियंस हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं हूँ या काशिफ है तो हमारे स्टाइल्स बहुत ज्यादा जैसे फेमस हाँ। है तो उन्हें टोंग रखनी चाहिए। टोंग अगर आप सस्ते से सस्ती भी लें तो कितने की मिल जाती है? 1000-2000-1500 अगर आपको वैसे कोई मतलब सही क्वालिटी का भी लेना है 3-4000 में भी मिल जाता है लॉन्ग लास्टिंग चलता है 3-4000 तो मैं सिर्फ जो आगे हम करेंगे कभी कॉम्पिटिशन्स मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया आप लोगों को देख रही होती है तो ऐसा हो सकता है कि 3-4000 ये इस तरह की आपके पास
समान होना चाहिए और काम आती है चीजें, ऐसा नहीं है बिल्कुल कोई आप अच्छी क्वालिटी का टोंग लेते हो तो वो चलता भी जल्दी खराब भी होता है। और नेता अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप उसी तरह डबल अर्न भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें अच्छी करनी चाहिए। वो माउथ पब्लिसिटी से जो है ना, अगर आपका घर में भी सैलून है और कोई आपसे अच्छे से तैयार होकर जाएगा, उसको 10,000 लोग शादी में देखेंगे, तो वो माउथ पब्लिसिटी से भी आपके पार्लर का नाम होता है। इस वक्त तो आप स्क्रीन पे आ रहे हैं जहाँ करोड़ों लोग आप लोगों को देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे पहुँचना कोई आसान बात नहीं होती। 8 मिनट 28 सेकंड्स का टाइम रह गया है। मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ खवातीन मेकअप में बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ खवातीन हेयर डू में बहुत अच्छी हैं। और मैं काशिफ से ये कहूँगी और मैं अपने नाजरीन से भी ये कहूँगी कि आप पॉइंट्स जो दें वो दोनों को मद्देनज़र रखते हुए दें, क्योंकि कुछ मेकअप बहुत अच्छा हम भी अगर देख रहे होते हैं निदा और लोगों को लगता होगा हमारी जजमेंट क्या है, लेकिन बेसिकली हम ओवरऑल सारी चीज़ें देखते हैं, बेस देखते हैं, कॉन्टोरिंग देखते हैं, ब्लश ऑन देख रहे हैं, आई मेकअप, आईज की प्रॉपर शेप, शीट्स के लगाने का तरीका और साथ साथ हेयर स्टाइल। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बंदा किसी एक मेकअप में या स्टाइल में दोनों में परफेक्ट है, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि किस किस चीज़ में उसकी ज़्यादा स्पेशलिटी है। ठीक है, अगर मेरे डायरेक्टर को शॉर्ट्स चाहिए तो हम उधर जा सकते हैं, ताकि लोग जो हमारे ऑडियंस हैं जो जजमेंट कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से सबका काम नज़र आ सके। आइए काशिफ अनम और मैं हम उस तरफ जा रहे हैं उस पार, और यहाँ हमारी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो काम कर रही हैं। 7 मिनट 27 सेकंड्स लेफ्ट।
जरा बाल बन रहे हैं यहाँ और मैं कॉल्स लेना भी शुरू करूँगी क्योंकि मैं नाजरीन को प्रॉपरली सब दिखा चुकी हूँ कौन कैसा काम कर रहा है। तो अभी आप लोगों के पास 3 मिनट 16 सेकंड रह गए और मैं कॉल्स का सिलसिला यहाँ शुरू करी हूँ क्योंकि अब टाइम सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। आपके हाथ पाँव भी फूलेंगे आई नो, लेकिन मुझे कॉल्स देना फिर भी ज़रूरी है क्योंकि नाजरीन को बताना है कि उनको आज किसको निकालना है। मैं क्या कॉल्स यहीं से खड़े होकर ले लूँ? आप मुझे क्या कहते हैं डायरेक्टर? अच्छा, मैं एक दफ़ा मेकअप सबके दिखा दूँ। आइए जी। हाँ, अब सबके बैजेज इधर उधर हैं, जो जो उनका नाम मुझे याद है मैं फिर वहीं से करती हूँ। मैं एक सेकेंड। ओके, कमल जुल्फिकार की ब्राइड को मैं दिखाऊंगी। अभी आप करती रहे मेकअप, 2 मिनट 33 सेकंड रह गए, मैं सबको फिर थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। कमल जुल्फिकार, ठीक है, अभी ये फिर मैं आपको दोबारा से दिखाती रहूंगी। ओके, आगे बढ़े। जरीन फाजिल, सिर्फ 2 मिनट 17 सेकंड का टाइम है, दुपट्टा भी पहनाना है, उसमें लिपस्टिक मेकअप जो भी आप कर रही हैं। आगे बढ़े जी। हमारी लकी समीना चलो, हाँ समीना कवल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरतुलैन, इस तरफ है, सॉरी है ना, थोड़ा सा पीछे हो या आगे हो, हाँ कैमरा दिखा सके। ओके, पुरतुलैन की बेटी, ठीक है, ये उनका नाम नौरी। ओके, नौरीन की बेटी, अब दिखाएं अगली बारी जो है वो नौरीन की बेटी। हाँ नौरीन, समीना, शमीम गुल की बेटी। हाँ, 1 मिनट 19 सेकंड रह गए और वहां पे हमारी अकेली राज कर रही है बड़ी मजे से। शाजिया रहमान जी, मैंने सबका मेकअप आपको दिखा दिया है और अब मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू कर रही हूँ। 59 सेकंड लेफ्ट, दुपट्टा जिसके सर पे नहीं होगा मैं उसको नहीं उड़ाने दूंगी, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। 51 सेकंड लेफ्ट, फिर कंधे पे डाल के दुल्हन को दिखाना, जिसका टीका टेढ़ा होगा मैं सीधा नहीं करने दूंगी, जिसका जो मस्ते होंगे मैं बिल्कुल मार्जिन दूं। 40 सेकंड लेफ्ट जी। मेरी जान, कौन है कॉलर? ईर्षा, सलाम अलैकुम ईर्षा, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग ईर्षा, बोलो। वालेकुम अस्सलाम जी ईर्षा, कहो किसको निकालना चाहोगी आज के शो से? ईर्षा चली गई। हाँ, ईर्षा की लाइन कट गई है, लेकिन ईर्षा ने नाम लिया था कमल का। आय अल्लाह, हाय हाय, ये दुख होता है किसी का नाम सुन के। अच्छा नबिया, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। सॉरी, 1 मिनट होल्ड करना यार, स्टॉप, प्लीज छोड़ दीजिए। जिसका दुपट्टा नहीं पहना सके छोड़ दे दुपट्टा, कोई मार्जिन नहीं मिल सकता, सॉरी छोड़ दे प्लीज, सब हट जाए प्लीज, आप भी छोड़ दे समीना, प्लीज हट जाए, छोड़ दें। दुल्हने खड़ी हो जाए अपनी जगह से, आप कुछ नहीं हो सकता, दुल्हने अपनी अपनी जगह से खड़ी हो जाए। गाउन हटा ले बस, मैं गाउन हटाने का मार्जिन दे सकती हूँ, लेकिन नो सर पे दुपट्टा, नो पिन अप, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको हमने 25 मिनट का टाइम दिया था जो कि बहुत बहुत है। ओके जी, नबिया समीना को एलिमिनेट करना चाहती हूँ। समीना जो कि कल बच गई थी, आप ने उनको दोबारा से आपने नॉमिनेट किया है कि वो एलिमिनेट हो जाएं, ठीक है जी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, आपको मैंने सबके चेहरे दिखा दिए हैं, मैं एक दफ़ा फिर से दिखाऊंगी ब्रेक के बाद वापस आके और आपकी लूंगी फ़ोन कॉल्स। जजेस में शामिल हैं आप, बड़े ज़रा जिम्मेदारी से फैसला कीजिएगा। यहाँ काशिफ और अनम, ये दोनों भी प्रॉपरली अब मेकअप देखेंगे और फिर फाइनल डिसीजन लेंगे हम कुछ ही देर बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मां मामता और मेकअप
नया सीजन जिसमें जीतने वाले को मिलेगा 2 लाख कैश प्राइज इम्तियाज सुपरमार्केट की तरफ से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और वो सिलसिला शुरू करना है हमने जिसकी मदद से हम ये जान सकेंगे कि कौन है वो कंटेस्टेंट जो आज यहाँ से चली जाएगी और उसको मौका नहीं मिलेगा ग्रैंड फिनाले में 2 लाख रुपए कैश प्राइज जीतने का जो इम्तियाज सुपरमार्केट से मिलेगा। काशिफ क्या करें, ले फोन कॉल्स। बिल्कुल ओके जी। हाँ जी, सबसे पहली कॉलर है हमारी इसरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम निदा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसरा प्लीज जल्दी से, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी डिसाइड करो किसको एलिमिनेट करूं। शाजिया रहमान, यहाँ दिखाइए। शाजिया रहमान को एलिमिनेट किया है, पिछले भी वोट्स हैं, यहाँ शाजिया रहमान को एलिमिनेट करने को कह रही हैं ये। आइए जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। उस्मान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान नतीजे पे पहुँचो, किसको एलिमिनेट करूँ? सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। रिजल्ट बताओ जल्दी, टाइम नहीं है। कमल कहाँ खड़ी है? कमल ये कमल जुल्फिकार है, ये गुल नहीं है। आपने गुल किसी और से उठा लिया, कमल यहाँ से उठा लिया। बहन यही है क्या? कमल जुल्फिकार है इनका नाम। ठीक है ओके जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। राजिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। जजमेंट बताइए जज साहिबा। जी मैं शाजिया रहमान को एलिमिनेट करना चाहती हूं। शाजिया रहमान के लिए एक और वोट आया है कि उनको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है जी ओके, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। फिजा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। फिजा बताइए। फिजा रिजल्ट को मैं वोट करना चाहूंगी। किसको? कमल। कमल जुल्फिकार को आप एलिमिनेट करना चाहेंगी। ठीक है, इस वक्त आपने सिर्फ एलिमिनेशन के वोट देने हैं। मैं आई रिपीट, आपने सिर्फ एलिमिनेशन के वोट देने हैं जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। मरियम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग जी। मरियम बताइए किसको एलिमिनेट करेंगी आप? वालेकुम सलाम जी, बोले मरियम। शाजिया को, शाजिया रहमान को आप एलिमिनेट करेंगी। मैं एक दफा फिर सबके चेहरे आपको दिखाऊंगी। शाजिया की बेटी को दिखाइए। ओके जी आगे बढ़िए। शमीम गुल की बेटी को दिखाइए, आगे बढ़िए। नौरीन फरमान की बेटी को दिखाइए, आगे बढ़िए। कुरतुलैन की बेटी को दिखाइए, यहाँ कवल जुल्फिकार की बेटी को दिखाइए। क्लोज जाइए, बहुत लॉन्ग है, मुझे दुल्हन का क्लोज चाहिए जी। जरीन फाजिल की बेटी को दिखाइए, समीना कमल की बेटी को दिखाइए। ठीक है, आप प्लीज जरा गौर से देखिए, क्योंकि आप एक ही बंदा जो नाम लेता है उसका दूसरा फिर सब ले रहे होते हैं। यहाँ और भी शाजिया रहमान से ज्यादा भी मेकअप खराब हुए हैं, कमल जुल्फिकार से भी ज्यादा मेकअप खराब हुए हैं। आप लोगों की नजरबान नहीं पड़ी, प्लीज इंसाफ का दामन ना छोड़े, क्योंकि अगर आपको जज बनाए बी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। साइमा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। साइमा क्या रिजल्ट अनाउंस करेंगी आप, किसको एलिमिनेट करूं? हाय तुम लोग वॉल्यूम नहीं कम करोगी, थक गई हूं बता कितने साल हो गए जी। रामशा लाइन ड्रॉप हो गई है। रामशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, जवाब बताइए। अच्छा बहन रमशा, माफ कर दो रिमशा, कोई बात नहीं। जान जल्दी से बताओ रिजल्ट, किसको एलिमिनेट करूं? मैं शाजिया रहमान। ओके जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हाँ जी जी कॉल्स करें, और मैं आपको फिर कहूंगी कि आप एक के पीछे एक ना भागें, जजमेंट नहीं कर सकते, कॉल ना करें, लेकिन इस तरह ज़बरदस्ती का फैसला मत कीजिए। इन लोगों की करियर का सवाल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है जज बनना। यहाँ अनम और काशिफ इन दोनों ने भी एक एक चीज़ को देखा है कि कैसे किसने मेकअप्स किए हैं। इनका फैसला, आपका फैसला मैं यहाँ सामने खड़ा कर दूँगी, फिर आप डिसाइड कीजिए कि किसको वोट करना है जी। जनाब कौन है कॉलर?
क्या नाम है कॉलर का? तैयबा, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम तैयबा। हेलो हेलो जी तैयबा, क्या रिजल्ट है, किसको एलिमिनेट करेंगी तैयबा आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुताबी? मैं ठीक हूँ तैयबा। बहुत जल्दी है, प्रोग्राम टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताओ किसको एलिमिनेट करूँ। प्लीज मेरे काशिफ भाई से बात करवा दे। इस वक्त प्लीज मैं माजरत के साथ ना मैं खुद बात कर सकती हूँ ना काशिफ से, इस वक्त इन लोगों के करियर दाव पे लगे। मानूर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हुमा जी, हुमा बताइए किसको? ये समीना कमल बिल्कुल सही नहीं है, एलिमिनेट करना चाहूंगी। समीना कमल अच्छा, ये इनको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है समीना कमल। ओके मिसेस इसाक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लाइन ड्रॉप हो चुकी है, मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि घड़ी का टाइम भी बहुत जल्दी 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 आगे बढ़ता जा रहा है और कॉल्स लेने का हमारे पास कम टाइम है। आप जो जिनकी कॉल्स नहीं मिल रही वो फेसबुक पर हमें SMS कर सकते हैं कि वो किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। निगट अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निदा जी। निगर किसको एलिमिनेट करूं मैं? साइमा कमल को आप सेलेक्ट करेंगे। कहाँ है, यहाँ है ना साइमा कमल? समीना कमल जी, मैं खुद भूल गई, साइमा कमल नहीं। हाँ जी बस सही है। ओके जी वजिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी वजिया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हाय इस वक्त मत पूछो, मैं मेरा खुद दिल इतना जोर से धड़क रहा है। बताओ क्या रिजल्ट? कमल की ब्राइड दिखा दिया करें प्लीज जनामा, तो कैमरामैन को भी याद हो गई होगी ना जी। ओके जी नेक्स्ट कॉलर ईशा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। ईशा वालेकुम अस्सलाम, दादी कैसी हैं? हाय बिल्कुल ठीक। बोलो ईशा किसको नॉमिनेट करें, किसको एलिमिनेट करें? मुझे जवाब चाहिए आपका। गुड मॉर्निंग, उठो सोने वालों। जज साहिबा बताइए किसको एलिमिनेट करूं? ठीक है मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा गौर से हमारा प्रोग्राम देखा गया है और मुझे लगता है इस दफ़ा थोड़ी ज़्यादती हो रही है। आप लोग शुरू से प्रोग्राम नहीं देख रहे, बीच में बैठ जाते हैं प्रोग्राम देखने और आप नहीं देख रहे होते कौन कैसा काम कर रहा है, इसलिए प्लीज़ एक के पीछे ना भागिए, सबको देखिए और कौन कैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से आप लोग गौर से देखें। हाँ। और लोगों के भी ब्लंडर्स थे चीज़ें, तो आप मेरे ख्याल में क्योंकि हमें उन चीज़ों का ज़्यादा पता है तो एक को देखकर उसका नाम जो ले रहे हैं तो आप सब। हाँ। नाम ले रहे हैं उसका तो अच्छा। प्लीज़ मेरी जो अभी तक हमने कॉल्स ली हैं और फेसबुक पे देखा है, मुझे अपनी मेरी टीम बताएगी कि सबसे ज़्यादा वोट्स किसके खिलाफ आए हैं। अच्छा जो वोट्स आए हैं ना मैं उनको लाके यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ, ठीक है फिर आप देखिए। कमल जुल्फिकार प्लीज आप आइए यहाँ मैदान में, और दूसरी कौन सी है? शाजिया रहमान प्लीज आप आइए यहाँ। काशिफ अगर आपको लगता है इन दो के अलावा ऐसी है जो इन दो से ज्यादा डिजर्विंग है जो वो निकले यहाँ से, तो वो कौन है काशिफ प्लीज आप उसको भी लाके यहाँ खड़ा। मेरे ख्याल में एक दो और हैं जिसको एक को जिनको भी कर लेंगे और एक को मैं कर लेता हूँ जी। अनम आप कर लें पहले, नहीं एक कर लें दोनों, मैं चार करना है दोनों नहीं नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छा मतलब लोगों को कंपैरिजन भी रहे जरा मेकअप का। मसला ये है कि फिर वो सात लोग हैं जिसमें से अगर चार यहाँ आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी फैसला करना, मुझे कोई एक और चाहिए। आप दोनों प्लीज मिलकर सेलेक्ट करो, जाओ खुसर फुसर करो, कोई एक दोनों मिलकर सेलेक्ट करो। इन दोनों के अलावा अगर आपको लगता है कि इन दोनों से भी ज्यादा मतलब लाइक जो इन्होंने काम किया उससे थोड़ा सा और कम काम जिसने किया है वो कौन है, वो सेलेक्ट करके यहाँ भेजिए ताकि फिर हम अंदाज़ा लगा सकें। रीज़न ये है, मैं ये कहूँगा
अच्छा चलो दोनों कर लो। नहीं नहीं मुझे लग रहा है तुम लोगों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अनम को कोई नहीं लग रही। कि मैं इन दोनों का बताऊं मेकअप का, जैसे आई थिंक स्क्रीन पर किस तरह का आ रहा है, दूसरे के फीचर्स किस तरह के लग रहे हैं, सब पे देखिए फीचर्स के ऊपर भी बात होती है। मेकअप जो है सिर्फ ये नहीं होता है कि मेकअप कर लिया ओवरऑल एंड में रिजल्ट, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खराब भी लग रही होती है लेकिन स्क्रीन पर अच्छी आ रही होती है। लेकिन हम एज एन आर्टिस्ट देख रहे हैं कि कौन मेकअप आर्टिस्ट अच्छा है, किसके हाथ कितने अच्छे हैं, तो मैं तो काम देख रहा हूँ बेसिकली उस हिसाब से हम जज कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा लोगों को कि लोग भी इसी चीज को ही फोकस करें। तो ओवरऑल जैसे आप देखें इनका शेप मुझे अच्छा लगा था, आई मेकअप वगैरह का, तो इतने ब्लेंडर्स थे, बाल सही लग रहे हैं, बाल सही है। जैसे मेकअप के बारे में बता रहा हूं, कुछ और जो हैं उनके मेकअप में भी इश्यूज थे और बालों में भी इश्यूज हैं। और इनका क्या कहेंगे आप, जो कमल ज़ुल्फ़िकार हैं, इनका आई मेकअप अच्छा था, बस आईज के नीचे इन्होंने जो शेड गिरा दिया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक मैसी लुक आ गई थी। और बाल जो है मतलब कोशिश इन्होंने की, जो इनकी टेक्निक थी वो अच्छी थी, लेकिन ऑब्वियसली वो 100% तो कोई भी नहीं कर सका है, लेकिन जिस तरह से हाथ को चलाने का भी तरीका है तो उस हिसाब से मुझे वो अच्छा लगा। और स्टाइलिंग में जो है निदा बहुत ज्यादा ब्लेंडर हैं, मतलब दो तीन ब्यूटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कर्ल्स करके ही छोड़ दिए हैं। क्या इन दोनों से भी बुरा काम किसी ने किया है, अगर मैं इनको हटाती हूँ क्या इन दोनों से भी बुरा काम किसी ने किया है, तो आप क्या कहते हैं? लोग इनको भी आप रख लें, अगर लोग प्रॉपर जज कर रहे हैं तो मैं वीकनेस दिखा रहा हूं, एसओपीस की वजह से इतने सारे लोग यहां जमा नहीं, नहीं आप जमा नहीं करें, मैं वैसे इनको सामने वैसे दिखा रहा हूं। आप लोग प्लीज अपनी अपनी जगह पे आइए वापस, और जो दो लोग आपने सिलेक्ट करने हैं अनम, ओके एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, और वो लोग जो काशिफ और अनम ने सिलेक्ट किए हैं उनको भी आगे ला के दिखाते, फिर आप तय कीजिए कि क्या करना है। दो लोग आपने सेलेक्ट किए हैं और दो लोग काशिफ और अनम ने सेलेक्ट किए हैं, कौन एलिमिनेट होगा आज हमारे शो से, जानने के लिए एक ब्रेक लीजिए और देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टाइम आपकी खातिर बढ़ा दिया गया है, आइए जल्दी वापस। 2,00,000 रुपए कैश प्राइज में ऐसे ही किसी को नहीं दूंगी, जो डिजर्विंग होगा वो ले जाएगा इम्तियाज सुपर मार्केट की तरफ से 2,00,000 रुपए कैश प्राइज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओहो, ये प्रोग्राम आगे थोड़ा इसलिए बढ़ाया गया है कि यहाँ एक बीच में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ऑडियंस ये भूल रहे हैं कि दिस इज अ मेकअप कॉम्पिटिशन नॉट अ ब्यूटी कॉम्पिटिशन। बहुत प्यारी है सारी बच्चियाँ, लेकिन क्या होता है कुछ लोग बहुत फोटोजेनिक होते हैं, स्क्रीन पे इतने कोई कमाल लग रहे होते हैं, उनका कैसा भी मेकअप कर दो तो वो स्क्रीन पर आकर छा जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस होती है, कैमरा उनसे प्यार करता है। तो हमारे आम लोग में देखें, आप लोगों में भी ऐसा होता होगा, किसी की तस्वीर बड़ी अच्छी आती है और कोई इतनी हसीन लड़की होगी उनमें उसकी तस्वीर पैड़ी आती है, नहीं अच्छी आती, तो वो वाली चीज़ है। मैं आपको इसलिए रिपीट करके बता रही हूँ, अगर आप जज बने तो आप मेकअप हेयरडू इन सब चीज़ों पे फोकस करें। बातें बंद करो मेरी जान मेरी बात सुन, तुम सूली पे लटकी हुई हो। हाँ, दो लोग आपने चुने, लेकिन दो लोग काशिफ और अनम ने भी चुने, ये मद्देनजर रखते हुए कि ये मेकअप कॉम्पिटिशन है। तो माँ ममता और मेकअप में जो दो कंटेस्टेंट्स काशिफ और अनम ने चुने हैं, प्लीज अनाउंस करें आप लोग। अच्छा, एक तो निदा वो शमीम है, शमीम गुल, प्लीज अपनी बेटी को लेके सामने आए। और दूसरी काशिफ, और दूसरी जो है काशिफ ने कौन सी चुनी? निदा अनम ही बताएंगी, मैं जो है ना चाहूंगा कि मेकअप जरा इनकी जो फॉल्ट्स है ना वो जरा ब्रीफ करूं, ठीक है ना? अच्छा, हाँ जी, दूसरी कौन सी? दूसरी जो है निदा वो कुरतुलैन। ओके कुरतुलैन, मैं इनके मेकअप की आगे आए प्लीज, एक मिनट सामने आ जाए। हाँ कुरतुलैन अपनी बेटी के साथ सामने आ जाए, मैं भी जल्दी से निकल जाऊँ आगे। अच्छा, अब उन तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, मैं कुछ चीजें क्लियर इस वजह से कर दूंगा कि इनके हिसाब से मतलब फॉल्ट उनके मेकअप में भी था। हाँ, कमल के मेकअप में या जो दूसरी थी जो हमने, लेकिन इनके भी जो इश्यूज है मैं वो थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इनके फेस फीचर्स जो है बहुत अच्छे, जैसे इनका मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेकअप के फॉल्ट्स मैंने बताए थे उनके भी, और सेम एज इट इज इनका भी यही है। अब आप आई मेकअप अगर आप क्लोजअप देखें कि आईज ओवरऑल बहुत प्यारी सी, आप किसकी बात, लेकिन इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इनका नाम है शमीम गुल, शमीम गुल की बेटी का क्लोजअप और लैशेस। अब आपको बहुत क्लियर लग रहा होगा कि आप देखें कि शेड्स की बिल्कुल ब्लेंडिंग सही नहीं है, ठीक है, और लैशेस कितनी फेक सी लग रही हैं, सामने देखो
डार्क सर्कल्स इसमें तो खैर आई थिंक स्क्रीन पे इतने आ नहीं रहे, आ रहे, आ रहे, इसमें देखें तो ये डार्क सर्कल्स हैं। तो ओवरऑल हो ये रहा है कि जिस तरह से हम तमाम कंटेस्टेंट को उनकी इनकी बेटियों को जिस तरह से दिखा रहे हैं तो लोग वैसे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो हमें शायद ये फॉल्ट नज़र आ जाए। अच्छा इनका मेकअप जो है जैसे स्टार्ट में मैंने बताया था, एक मिनट जी, अभी क्लोज आ गया। अच्छा आई मेकअप जो है दोनों आप देखिए बहुत ही खूबसूरत, मतलब आंखें हैं, मतलब मैं भी अगर अपनी प्रोडक्ट के लिए अगर मेकअप करूँ तो इस तरह की आईज़ पे मुझे पता है बहुत ही खूबसूरत आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखें कि दोनों आईज़ पे डिफरेंस है, दोनों आई मेकअप जो है बिल्कुल, हालांकि शेप बहुत अच्छा है लेकिन आई मेकअप और रंगों की वजह से दोनों जो आप ये देखें ये लाइनर नज़र आ रहा है, देखें इसमें कोई फिनिशिंग नहीं है इसमें, और ये बिल्कुल अलग है माशाल्लाह। इन दोनों की बेटियां बहुत फोटोजेनिक हैं, लेकिन मैं ये लोगों को बस ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, ना मेरी देखें उनसे कोई रिश्तेदारी है ना मेरी इनसे कोई दुश्मनी है, बस मैं कुछ चीज़ें लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को भी बहुत गौर से देखें कि बाकी ये मेकअप कॉम्पिटिशन है, ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ इस तरह से भी देखें क्योंकि मैटर करते हैं, फेस फीचर्स भी मैटर करते हैं, कैमरा ऑब्वियसली अगर फोटोजेनिक फेस है तो वो भी मैटर करता है, लेकिन आप लोग देखें कि किसका हाथ किस तरह से कहीं ना कहीं क्लिप में नज़र आ रहा होता है, किस तरह से कोई बाल बना रहा है, किस तरह से ब्रश पकड़ा हुआ है। तो अच्छा अब वो वाली लोग अनम और काशिफ, अब एक मैं पूछ रहा हूँ ताकि मैं दूर दूर इसलिए रखना चाह रही हूँ वो सारे एसपीस का, वो वाले लोग जो पब्लिक ने चुने थे वो शाजिया रहमान वहाँ खड़ी हुई है, और कौन सी चुनी थी दूसरी आप, और कमल जुल्फिकार यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये चार लोग आज की शो से चुने गए, दो लोग चुने हमारे जजेस जो यहाँ मौजूद हैं, काशिफ और अनम, और वो दो लोग जो आपने चुने उनसे भी काशिफ और अनम को लगा कि उनसे बेहतर काम नहीं है इन दोनों का जो इन दोनों ने चुने। तो यहाँ हमारे पास आज हमने चार कंटेस्टेंट्स को चुना है जिसका फैसला हम कल करेंगे कि क्या ये कल का खेल खेल पाएंगी और बढ़ पाएंगी उस दिन की तरफ जहाँ 2 लाख का प्राइज जीतने का मौका मिलेगा इन्हें या नहीं। तो ये चारों जो हैं ये हम आपके सामने खड़ा कर रहे हैं और आपने वोट करना है, आपने बताना है कि कौन एक है या कौन दो हैं जो निकल जाएं। साथ साथ एक दफ़ा फिर अनाउंस करूंगी यहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले कि काशिफ ने कल जैस्मीन पैलेट पे सेल लगाई थी 50%, लेकिन आज उस पर नहीं सेल, आज है खत्म हो चुकी है, आज ये निदा इसी पेज से दिखाया था पहले। हाँ, क्या नाम है इसका, रूबी पैलेट, और साथ साथ आई लैशेज, जैस्मीन आई लैशेज, इन पे 50% डिस्काउंट है, और ये भी सिर्फ आज के लिए है, सिर्फ आज के लिए। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, यहाँ खुदाफिज कर रही हूँ मैं आपको और फिर बिठा रही हूँ आपको कंप्यूटर पे, फेसबुक पे SMS कीजिए इन चारों में से कौन है एक जो चला जाएगा इस प्लेटफॉर्म से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा क्योंकि कल है कुछ अनोखा होने वाला। कल क्या होगा, कल सस्पेंस है, ये देखने के लिए ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 24 घंटे का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और काशिफ से कल मैं क्या करवाऊंगी आप सोच भी नहीं सकते। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।